هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا रमादान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया बनी नौ इंसान के लिए हिदायत है और जो नहायत वाजे और खुली खुली रहनुमाई करने वाला है और हक हकोबातल में इम्तियाज करने वाला है बस जो भी तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे और जो भी मरीज हो या सफर पर हो तो इस मुद्दत के रोजे दूसरे अयाम में रखे खुदा ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता ताकि तुम सहूलत से इद्दत को पूरा करो और अल्लाह तला की तकबीर करो उस हिदायत की बिना पर जो उसने तुम्हें अता की اور تم شکر کرو واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليسال

मैं दुआ करने वाले का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है बस उन्हें भी चाहिए कि मेरे तकाजों को पूरा करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। कुम لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी बीवियों से ताल्लुक जायज करार दिए गए हैं वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो अल्लाह जान चुका है कि तुम अपने नफ्सों का हक मारते रहे हो बस वो तुम पर रहमत के साथ झुका और तुमसे दरगुजर फरमाया बस अब से उनके साथ इकतवाजी तल्लु कायम करो और बेशक इसकी ख्वाहिश करो जो खुदा ने तुम्हारे हक में लिख रखा है और खाओ और पियो यहां तक के आगाज सुबह पर सुबह की सफेद की धारी रात की स्याही की धारी से अलग साफ मुमताज हो जाए फिर रोजे को रात तक पूरा करो और उनसे इस दिवाली ताल्लुक इस अरसे में कायम ना करो जब तुम मसाजिद में इतका बैठे हुए हो ये अल्लाह तला की कायम करदा हदूद हैं बस इनके करीब ना जाओ इसी तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें वकुम बिल बातुदलुतुदुलू बिल्ह لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأموال तुम तालमून। और खुद अपने ही अम्वाल अपने दरमियान झूठ फ्रेब के जरिए ना खाया करो और इस तरह कि तुम वो अम्वाल हुकाम के हुजूर पेश करो ताकि कौमी दौलत में से कुछ तुम खा सको गुनाह के तरीक पर ऐसी हालत में कि तुम अपने इस फेल से बाखबर हो अवज़ुबल शवानज़ीम बसमीम कराम करामक वरह वक् मुकरम नज़ीर आज का प्रोग्राम रेडियो आहदिया लेकर आपकी ख़िदमत में हाजिर है अनिस अहमद साहब के साथ कंट्रोल्स पे सामीन ये प्रोग्राम आपकी ख़िदमत में हर इतवार की शब रात छः से आठ बजे के दरमियान पेश किया जाता है सबसे पहले मैं अपने सामीन को रमज़ान का तोहा पेश करता हूँ अपनी तरफ से और रेडियो आमदिया के तमाम टीम की तरफ से अल्लाह तमारी तमाम इबादत जो हम इन शाह रमज़ान के महीने में करेंगे उसको कबूल करें और हमें इसके फजाइल से भरपूर हिस्सा दे इस प्रोग्राम का मकसद अपने सामीन को इस्लाम और अहमदियत से मुतारफ़ करवाना और इसी तरह आपके सवालत के जवाब देना ये जवाब हमारे प्रोग्राम में हमारी जमात से मुख्ता तशरीफ ला कर देते हैं आज हमारे साथ हमारे मोज्ज़ मेहमान मोहतरम अब्दुल नूर आबिद साहब तशीफ़ फर्मा है अब्दुल नूर आबिद साहब आज के प्रोग्राम में अल्लाइक रबरक जी वालेकुम वाल वरक अब्दुल नूर आबिद साहब हमारे बाकायदगी से सुनने वाले सामीन के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं नौ... ये हमारे उन नौजवानों में से हैं जिन्होंने कैनेडा में अपनी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ की और फिर जमा... जामिया अहमदिया कैनेडा से फारो तहसील होने के बाद उसी में ये बतौर प्रोफेसर की खिदमत अंजाम देते हैं हजरत मसीमलाम के मुख्तफ जो मजामी हैं और जो मुख्तलिफ हदायत हैं उनको लेकर आते हैं और आपके सामने उस पर गुफ्तु करते हैं आज रमज़ान का मुकदस महीना शुरू हो चुका है और उसका हमारा पहला प्रोग्राम है इस हवाले से पहला घंटा जो होगा उसमें हम अब्दुल् रब साहब के जो का जो मौजू होता है जो गुफ्तु होता है उसको आपके सामने रखेंगे और उससे मुत्लक सवाल लेंगे और आखिरी एक घंटे में रमज़ान से मुतक भी अगर किसी सामे के हमारे सवाल हैं तो वो भी हम लेंगे तो ये आज के प्रोग्राम में एक थोड़ी सी सहूलत है अपने सामीन के लिए कि रमज़ान के हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मसाइल रमज़ान के हवाले से रोज़े के हवाले से या किसी और चीज़ का ताल्लुक जिसका ताल्लुक जो है रमज़ान से होता है या रोज़े से होता है उसको हम लेंगे इसी तरह हमारे स्टूडियोज़ में आज एक महजस मेहमान भी शीफ फर्मा है मोहम्मद मूसा साहेब मूसा साहेब हमारे मेहमान हैं आज के प्रोग्राम में और इनसे हम गाय बगाए कुछ ना कुछ सवालत या कुछ इनसे जो सवालात हैं वो उनकी तरफ उनको पेश करेंगे जवाब के लिए मूसा साहेब का मखस सा तारफ यह है कि ये हमारे जमात अहमदिया में खदम अंजाम देते हैं और आज खसूस दावत पे रमजान के हवाले से प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम का तरीक़ ऐसे होता है कि पहले हमारे मौजूद मेहमान आपके सामने अपने अफ्ती कल रखते हैं उस दौरान हम आपकी कॉल्स नहीं लेते और आपको दावत देते हैं कि आप इस इन अफ्ती कलम को सुने अफ्ती कलम के बाद फिर हम स्टूडियोज़ की लाइने खोलते हैं और फिर आपके सवाल होते हैं और उनके जवाब होते हैं अब्दुल साहब ने फरमाया कि इफ्ताई कलमात जो है ए, जी आज मूसा साहब की हम खदा हासिल नहीं जी ठीक है मूसा तो साहब का पहली पहली दफ़ा है इस तरह तो, आपको वेलकम भी है हमारा असल वरिया जी जो मुझे बताया गया है फॉर्मेट प्रोग्राम का उससे तो ये कुछ जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस प्रोग्राम में हजरत दस मसीह माउद्लाम की जो तहरीर हैं ख़ास पर और या वैसे भी जो उनके ऊपर सवाल उठते हैं वो किए जाते हैं और उनका यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की जाती है इस वक्त हमारे सामने हज़रत हज़रतकदस मसीह मऊदा सलाम की जो तसानीफ हैं वो तकरीबन पचासी के करीब या पचासी से ज़ायद तसानीफ हैं जो हज़रत हज़रतकदस मसीह ने ताली फरमाई और उसमें इस्लाम का दिफा किया और उन्हीं तहरीरत में हज़रतकदस मसीह मऊदल ने ईसाइयों की तरफ़ से उठने वाले इतराजा के जवाब भी दिए हिंदुओं की तरफ़ से उठने वाले इतराजा के भी जवाब दिए और जो जो भी इस्लाम पर हमला करने वाले लोग थे उन लोगों के ऊपर उन लोगों को इस्लाम का इस्लाम के हक में इस्लाम के हक में जवाबा दिए इस हवाले से हजरत अकदस मसीह मऊदल की एक बहुत ही माया नाज किताब बराहन अहमदिया जो है वो मौजूद हैं हमारे सामने लिटरेचर में इसके अलावा हज़रत अकदस मसीह मऊदा वसलाम पर बज़ दफ़ा मुसलमानों की तरफ से नाअलमी की वजह से या कम लाआलमी की वजह से या कम इलमी की वजह से ये भी इतराज़ कर दिया जाता है कि नौज़बिल्लमिनक आपने रसूल करीम सलील उम्म की तोहन की है या रसूल करीम सलील वसम के मकाम को आपने नहीं पहचाना तो इस वाले से मेरा ख़्याल है मैं कुछ इकतबास के सामने हज़रतकदस मसीह माऊदा के रख देता हूँ जिसमें हजूर ने आजरत सल्हुस वल्लम का मकाम बयान फरमाया है और मैं ये समझता हूँ और मेरा इस बात पर यकीन है कि ऐसा मकाम हजरत नसीह मऊदा हज़रत मिर्ज़ा गुलाम ाम कादियानी के अलावा कोई भी शख्स रसूल करीम सलील वम का यह मकाम बयान नहीं कर सका जो रसूल जो रसूल करीम का मकाम हज़रत मिर्ज़ा गुलाम दयानी सल्लाम ने बयान फरमाया है हैजूर फरमाते हैं <गाँ> वो आला दर्जे का नूर जो इंसान को दिया गया यानी इंसान कामिल को वो मलाक में नहीं था नजूम में नहीं था कमर में नहीं था आफताब में भी नहीं था वो ज़मीन के समंदरों और दरियाओं में भी नहीं था वो लाल और याकूत और जमुरद और अलमास और मोती में भी नहीं था गरज़ वो किसी चीज़ अर्जी और समावी में नहीं था सिर्फ़ इंसान में था यानि इंसान कामिल में जिसका अतम और अक्मल और आला और अरफा फ़र्द हमारे मौला सैदुल्बिया सैदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम हैं सो वो नूर उस, उस इंसान को दिया गया और हसब मरातब उसके तमाम हम रंगों को भी यानी उन लोगों को भी जो किसी कदर वही रंग रखते हैं और ये शान और ये शान आला और अकमल और अतम तौर पर हमारे सैद मौला हमारे सैयद हमारे मौला हमारे हादिय हादी नबी हादी उम्मी सद सा, उम्मीए सादिक व मस्तूक मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम में पाई जाती थी आइना कमालत इस्लाम, रूहानी खजाइन जिल्द पाँच सफ़ा एक सौ साठ था एक सौ बासठ इसी तरह हजरत अकदस मसीह मौदूल सल्लम ने एक और मौके पर फरमाया मैं हमेशा तज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम है हज़ार हजार, हजार दरूद और सलाम उस पर यह किस आली मरतबे का नबी है उसके आली मकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता और उसकी तसर कुत्सी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं अफसोस कि जैसा हक शनाख्त का है उसके मरतबे को शनाख्त नहीं किया गया वो हीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी वही एक पहलवान है जो दोबारा इसको दुनिया में लाया उसने खुदा से इंतहाई दर्जे पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जे पर बनी नौ की हमदर्दी में उसकी जान गुदाज हुई इसलिए ख़ुदा ने जो उसके दिल के राज का वाकिफ था उसको तमाम अम्बिया और तमाम अवलिन व आखरीन पर फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दी वही है जो सरचश्मा हर एक फैज़ का है और वह शख़्स जो बग़ैर वो शख्स जो बग़ैर फाजा इसके के किसी फजीलत का दावा करता है वह इंसान नहीं है बल्कि ज़रूरीत शैतान है क्योंकि हर एक फजीलत की कुंजी उसको दी गई है और हर एक मार्फत का खजाना उसको अता किया गया है जो इसके जरिए से नहीं पाता वो महरूम अजली है हम क्या चीज हैं और हमारी हकीकत क्या है हम काफिल नमत होंगे अगर इस बात का इकरार ना करें कि तोहिद हकीकी हमने उस नबी के जरिए से पाई और जिंदा खुदा की शनाख्त हमें उस काबिल नबी के जरिए से और उसके नूर से मिली है और खुदा के मुकाल और मुखातबात और शर्फ भी जिससे हम उसका चेहरा देखते हैं इसी बुजुर्ग नबी सल्हम के जरिए हमें मुयसर आया है इस आफ्ताब हिदायत की शुआ धूप की तरह हम पर पड़ती है और उसी वक्त हम उसी वक्त तक हम मुनवर रह सकते हैं जब तक कि हम उसके मुकाबले पर खड़े हैं हकीकतल तो वही रूहानी खजाइन जिल्द बाइस सफा एक सौ अठारह सफा एक सौ उन्नीस ये बेशुमारतबास हैं जो रसूल करीम सल्हुस की मदा में और हम सना हजरत हदर, अकदस मसीह माउद सर ने बयान फ़रमाए इसी तरह एक और मौके पर फरमाया वो इंसान जिसने अपनी ज़ात से अपनी सिफ़ात से अपने अफ़ाल से अपने आमाल से और अपने रूहानी और पाक कुआ के पुरजोर दरिया से कमाल ताम का नमूना व अमलन व सिदकन व सिबातन दिखलाया और इंसान कामिल कहलाया वो इंसान जो सबसे ज़्यादा कामिल और इंसान कामिल था और कामिल नबी था और कामिल बरकतों के साथ आया जिससे रूहानी बास और हशर की वजह से दुनिया की पहली क़्यामत ज़ाहिर हुई और एक आलम का आलम मरा हुआ उसके आने से ज़िंदा हो गया वो मुबारक नबी हज़रत खातमुलम्बिया इमामफिया खत्मुलमरसल फख्रनबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम हैं प्यारे खुदा इस प्यारे नबी पर वो रहमत और दरुद भेज जो इब्ताय दुनिया से तूने किसी पर ना भेजा हो अगर ये अजीम शान नबी दुनिया में ना आता तो फिर जिस कदर छोटे छोटे नबी दुनिया में आए जैसा कि यूनस और अयूब और बिन मरियम और मलाकी और यहया और जकरिया वगैरह वगैरह उनकी सच्चाई पर हमारे पास कोई भी दलील नहीं थी अगर के सब मुकर्रब और वजी और ख़ुदा तला के प्यारे थे ये उस नबी का एहसान है कि ये लोग भी दुनिया में सच्चे समझे गए अल्ला वसलम व बारिक ही आलि व अहहाब ही अजमाइन व आखिर उदावाना अनिलहमदिल्ल रबालमीन इसी तरह द्रुद शरीफ जो है उसके पढ़ने के क्या क्या कमालत हैं और उसकी वजह से इंसान को क्या क्या फ्यूज़ मिलते हैं और क्या क्या बरकत मिलती हैं इस वाले से भी हज़रत अकदस मसीह मऊदा सलाम ने बयान फरमाया और हकीकत यही है कि हज़रत अकदस मसीह मऊदा सलाम ने भी जो मकाम पाया वो रसूल करीम सल्लाम की कामिल इतात इतबा और दरुज शरीफ और महब्बत की वजह से पाया इसी वजह से तो आपको एक रोया में ये दिखाया गया कि फ़रिश्ते ने यह फ़रिश्ते हैं कुछ और उन्होंने कहा हाजरा जुल यु हिब्ब रसुल्ला कि ये वो मर्द है जो रसोल्ला सल्लाम से सच्ची जो है वो मोहब्बत रखता है तो हुजूर फरमाते हैं इस वाले से मेरा जाती तजर्बा है कि आ हजरत सल्लाम की सच्चे दिल से पैरवी करना और आपसे मोहब्बत रखना इनजामकार इंसान को खुदा का प्यारा बना देता है इस तरह पर कि खुद उसके दिल में मोहब्बत अलाही की एक सोदिश पैदा कर देता है तब ऐसा शख्स हर एक चीज़ से दिल बर्दाश्त होकर खुदा की तरफ झुक जाता है और उसका उनस और शौक सिर्फ खुदा तला से बाकी रह जाता है तब मोहब्बत इलाही की एक खास तजली उस पर पड़ती है और उसको एक पूरा रंग इश्क और मोहब्बत का देकर कभी जज्बे के साथ अपनी तरफ खींच लेती है तब जज्बात नफसानिया पर वो गालिब आ जाता है और उसकी ताइद और नुसरत में हर एक पहलू से खुदा तला के खार के आदत निशानों के रंग में जाहिर होते हैं वही रूहानी खजाइन जिल्द प, जिल्द बिस सफ़ा सतासठ और अठासठ इसी तरह दरुद शरीफ के हवाले से भी ने फरमाया कि दरुद शरीफ के तुफ़ैल में देखता हूँ कि अल्लाह ताला के फयूज अजीब नूरी शक्ल में आ हज़रत सल्ला वसल्लम की तरफ जाते हैं और फिर वहां जाकर आ हज़रत सल्ला वसल्लम के सीने में जज्ब हो जाते हैं और वहां से निकल कर उनकी ला इनतहा नालियां होती हैं और बक़दर हिस्सा रसदी हर हकदार को पहुंचती हैं यकीन कोई फैज़ बदूम वजरत सल्लाम दूसरों तक पहुंच नहीं सकता दरुज शरीफ क्या है रसोल्ला सल्ला वसम की उस अर्श को हरकत देना है जिससे ये नूर की नालियां निकलती हैं जो अल्लाह ताला का फैज़ और फजल हासिल करना चाहता है उसको लाजिम है कि वो कसरत से दरूज शरीफ पढ़े ताकि उसके फैज़ में हरकत पैदा हो अलक्म मोरखा अट्ठाईस फरवरी उन्नीस सौ तीन ईस्वी सफ़ासात कॉलम नंबर एक और दो इसी तरह हजूर ने अपना एक तजुबा बयान फरमायाजू ने फरमाया कि एक रात इस आजिज़ ने इस कसरत से जरूर शरीफ पढ़ा कि दिलो जान उससे मअतर हो गया उसी रात ख़्वाब में देखा कि आब जुलाल की शक्ल पर शक्ल पर नूर की मुश्कें इस आजिज़ के मकान में लिए आते हैं यानी फरिश्ते जो हैं वो नूर की मशकें इस आजिज़ यानि रसोजरतकदस में सीएम मऊदा सलाम के मकान में लिए आते हैं और एक ने उनमें से कहा कि ये वही बरक़ात हैं जो तूने ने मोहम्मद सल्ला वसलम की तरफ भेजी थीं सल् वसलम ब्राहीन अहमदिया हरचहारिससिस रूहानी खजा जिलदेग सफ़ा पाँच सौ अठानवे हाशिया दर हाशिया नंबर तीन बेशुमारजूर के इसी तरह के इकतबास हैं जिसमें हज़ू ने दरूशरीफ़ की फ़जीलत बयान फ़रमाई रसोल करीम सलील्हु वल् की फजीलत बयान फ़रमाई और रसोल करीम सल्ला वसलम पर कित पर और इस्लाम पर होने वाले इतराजात का दिफा किया तो अल्लाह ताला करे कि हम रमज़ानमबारक के इन मुबारक जाम में रसोल करीम सल्ह वसलम पर बसरत दरूद भेजने वाले हों और उस दरूद के नतीजे में वह दुरुशरी बसरत से पढ़कर उस दरूद के जो फ्यूज़ हैं और उसके जो फ़ायदे हमें हासिल होंगे वो उन को हम हासिल करने वाले हों ठीक ज्ला आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो है जिसमें आज हमारे साथ मौत और इसी तरह मोहतरमोहन आज हमारा जो प्रोग्राम है मुबारक का पहला प्रोग्राम है और इस हवाले से इस प्रोग्राम में कुछ हमारा जो मामूल का तरीक होता है उससे हटके है पहली चीज जो मैंने अर्ज की पहला जो एक घंटा है हमारा आज का यानी अब से लेके छः बजे से लेके सात बजे तक इसमें हम जो मौजू आपके सामने रखा है अभी मोहतरम महमूद साहब ने उसके जी मु, मुसा साहब ने, ने उसके हवाले से हम आपके सवालत लेंगे और जो दूसरा हिस्सा है आ, प्रोग्राम का उसमें हम इनशा रमजान के जो सवालत होंगे रमजान के हवाले से मसाइल रोजा मजा और इससे मुतल जो होते हैं उनको भी शामिल करेंगे तो अगर आप कोई रमजान से मुतलिक सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा घंटा है उसमें हम आपके साथ आपके सवाल जो हैं वो ले सकते हैं दूसरी चीज जो आज के प्रोग्राम में फ़र्क है और ये तब्दीली पूरे मा रमज़ान में चलेगी कि जो हमारे सामयन ये प्रोग्राम मॉन्ट्रियाल के इलाके में सुनते हैं ये प्रोग्राम ब्राह रास्त कैनाडा टोरटो और मॉन्ट्रियाल के इलाकों में बरह रास्त मकामी रेडियो स्टेशन पर नशर होता है तो मॉन्ट्रियल वालों में ये के पास ये प्रोग्राम बरह रहा नहीं आएगा बल्कि आठ बजे से लेकर दस बजे तक वो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुनेंगे यानी जो प्रोग्राम इस वक्त हम टोरोंटो में पेश कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वो आठ बजे से दस बजे तक जो हमारा मॉन्ट्रियल में फ्रीक्वेंसी है सिक्सटीन टेन उस पर यह प्रोग्राम सुनाया जाएगा अगर आप उस वक्त फ़ोन करके सवाल पूछेंगे तो उस वक्त हम आपके जवाब नहीं दे पाएंगे मॉन्ट्रियल वालों के लिए जो सहूलत है कि आप इस प्रोग्राम को टेलीफोन नंबर पर सुन सकते हैं हमारा जो टोरंटो के इलाके के सामीन के लिए जो नंबर है वो मैं अर्ज कर देता हूँ सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो मॉन्ट्रियाल वाला जो नंबर है वो इस वक्त अगर आप उस पर सुनेंगे क्यों जी अनीसा नहीं सुन सकते जी मुझे वजाहत होगी कि जो मॉन्ट्रियल का नंबर है उस पर भी ये प्रोग्राम नहीं सुना जा सकता इस वक्त आप इसी टोरटो के नंबर पर डायल करके इसको सुन सकते हैं इसी तरह अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीफोन नंबर है फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन ये हमारा नंबर है जिसपे आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आप ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजना चाहें तो हमारा पता है क्यू एन आंसर आंसर एट इस्लाम डॉट सी साहब ने तोज दिलाई कि जो हमारी वेबसाइट है वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए उस पर आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं बरह रास्त तो वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए हमारी वेबसाइट पे ना सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि साहब का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुन सकते हैं और एक बार फिर मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो तब्दीली है यानी मॉन्ट्रियल वाले बरह राश नहीं सुन सकते ये सिर्फ़ माह रमज़ान के लिए है इन श्रा माह रमज़ान के बाद हम वापस अपने मामूल के औक़त पे आ जाएंगे यानी छः से लेकर आठ बजे तक ट्रांटो के इलाके में भी और मॉन्ट्रियल के इलाके में भी ये प्रोग्राम बरह सुना जा सकता है इसके अलावा आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं इतवार हफ्ते के दिन शाम आठ बजे से नौ बजे तक जिसमें इमाम जमात अहमदिया हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब सैयदुल्लाह ताला बिन अजीज का ताज़ा तरीन खुतबा जुमा जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो इस तारफ़ के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी अब अब्दुल को गुफ़ आगे बढ़ाते हैं। मुझे जा? जा? जब मुसा साहब हवाला जात पढ़ रहे थे मसीह मऊदलात के जी. तो मुझे वह मूसब वाक़ याद आया जिसमें एक सहाबी जब फरमाते हैं कि जब भी हजरत मसीह मऊदात नबी अलैहि वसल्लम की बात करते तो फरमाया करते थे कि हमारे नबी हमारे आका तो इस छोटी सी बजाहिर छोटी सी नजर आने वाली बात में भी एक मोहब्बत का ताल्लुक नजर आता है कि किस तरह हजूर की जात को हजूर के नाम को अपने से मंसूब किया है फिर इसी तरह एक दफ़ा एक सहाबी हज़रत मसीह मदलाम के गालिबा उन्नीस सौ पच्चीस में लंदन त ले गए तो वहाँ पे पादरी साहब से मुलाकात हुई हजूर के बड़े मुबास वगैरह भी होते रहते थे जानते थे उनको तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मिर्ज़ा साहब की एक बात हमें बहुत बुरी लगती थी तो साबी ने पूछा कि कौन सी बात तो उस पर उन्होंने फरमाया कि जो पादरी थे उन्होंने फरमाया कि जब भी हम नबी अक्रम सल्हल की ज़ाद वबरकत पर हमला करते थे तो हज़रत मिर्ज़ा साहब की आंखें सुर्ख हो जाया करती थी चेहरा मतगैर हो जाया करता था और वह नहायत जलाली रंग में जवाब दिया करते थे बिल्कुल और कहते हैं कि इस पर हमें बड़ा गुस्सा आता था तो जो साहबी वहाँ पे बैठे हुए थे कहते हैं कि पादरी साहब आपको जो अदाब मसीहमदातम की बुरी लगती थी उसी अदा पे तो हम कुर्बान थे कुर्बान थे बिल्कुल सही बात तो किस तरह आज मसीह मौदा ने नबी अक्रम सफ़ा किया है अभी शुरू में ब्राहन अहमदिया की बात हुई आ, किस कदर मेहनत से हज़र मसीह मौदा ने आ, उस मवाद को इकट्ठा किया सामीन के सामने पेश किया तो ये आ, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत है जो मसीह माउदातम ने की है और जिस तरह मौलवी मौलवीडी ने यह कहा था मौलवी मोहम्मद हुसैन हुसैनवी साहब ने कि 1400 साल में इस तरह की खिदमत किसी से सरजद नहीं हुई तो मसीह तो इस्लाम का, कि का जो इजहार है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम का उसका इजहार अपनी किताबों में किया है और उसी का फैज है जो हम यहाँ पे खा रहे हैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ हज़रत अकदस मसीह मऊदा ने अपनी तहरीदार में या अपने कौल से ये बात नहीं वाजे की कि रसोले से आपको मोहब्बत है बल्कि अपने अमल से भी जाहिर की और इस वाले से एक दो रवायात भी मेरे जहन में आई जैसे आपने जिक्र किया कि एक मौके पर हज़रत अकदस मसीह मऊदा सल्लाम अपने सहन में ही घर के सहन में ही टहल रहे थे और एक शेर था जो वो पढ़ी जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू हुआ थे वो सहबी जो ये रवायत बयान करते हैं वो पास गए और जाके उन्होंने सुना तो हज़रतद मसीह मऊदल हज़रत हसान बिन सबित रज़ी ते शेर पा रहे थे किन तसवाद अल नाजर अमी आल काजिर हो मनशाह अबादा का फल या मतफ़ा अलही कांत हाज़िर हो कि मैं तो सिर्फ़ रसोलिन को मुखातिब करके फिर मारेंगे मुझे तो सिर्फ आपकी मौत का डर था आपकी वाप मेरी आँख के पुतली थे जब आपकी वफात हो गई तो उसके बाद तो जो भी मरे मुझे से, जो मरे या जिंदा रहे मेरा उससे कोई सरोकार नहीं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं तो हजरत अक्दस मसीह में यह बयान फरमाते हैं कि उस वक्त उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश के ये शेर जो है ये मेरी जुबान से निकला होता इसी तरह जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एक पादरी साहब को जो बात बुरी लगती थी कि गैरत का इजहार होता था इस तरह का भी एक वाक़ मिलता है कि हजरत अक्दस मसीह मऊदा सल्लाम एक दफ़ा एक सफर पर थे लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और वहाँ पर नमाज का वक्त हो गया तो हज़ू ने वज़ू फ़रमाना शुरू कर दिया वज़ू करना शुरू कर दिया और वज़ू करने के दौरान ही पंडित लेखराम जो आर्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाला था पंडित था और हज़रत अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सख्त कस्म की शदीद बदजुबानी किया करता था और बरमला उसकी कई कुतुबिशाए हुई और कई जगह उसने अपनी ज़ुबान से रसोल करीम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बदजुबानी की और तोहन किया करता था वह आया और आकर हज़रत अब्दसलम को सलाम किया उसने लेकिन हज़रत अब्बस मसीह मऊदा सलाम ने उसको बिल्कुल जो है वो उसकी तरफ ज़रा भी अल्तफात नहीं किया और मुँह से अपना फेरी रखा तो दो तीन दफ़ा उसने तरह किया सलाम करने की कोशिश की तो फिर वह अब बिल कर चला गया तो बाद सहाबा हम इस्लाम के जो पास मौजूद थे उन्होंने अर्ज़ की कि हजूर पंडित लेखराम आया था और सलाम अर्ज़ करता था हजूर ने हम हमारे आका को तो गालियाँ देता है और हमें सलाम अर्ज़ करता है तो ये भी एक गैरत थी हजरत अकदा मसीह मऊदलम की कि जो अपने आका के लिए थी रसूल करीम सली वम के लिए थी जिनके मतलब आपने ख़ुद फरमाया कि वो ही हमारे उस्ताद हैं और हम तो उनके शागिर्द हैं हमारा मुकाम उनसे बढ़कर नहीं है और ना ही उनसे जो है जो कुछ हमने पाया सब कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम से ही पाया है बिल्कुल सर एक उस जमाने की अगर बात करें तो कैफियत भी अगर हम वहाँ की सोचें थोड़ी सी तो उस ज़माने में मसीह उसम अठारह सौ में उनकी पैदाइश हुई है 1908 में वफात हुई है तो उस कॉन्टीनेंट में देखें तो ये बिजली वगैरह का तस्वुर उस तरह नहीं था और आजकल जिस तरह की सहूलियात हमारे पास हैं और हमारे जो आगे से बच्चे हैं वो तो कभी तस्वुर भी ना कर सकें तो हमने तो कुछ पाकिस्तान वगैरह में अपनी कुछ उम्रें गुजारी हैं तो इस थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं हम बिजली ना होना और फिर ये आजकल की जो सहूलियात हैं एसी और इस तरह की ठंडे पानी पंखे की सहूलतें ना होना सख्त गर्मियों का एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मौसम था तो साहब ने जो इंतज़ाम किया सोने का वो एक छत पे कर दिया अब सख्त गर्मियां हैं इसको सामने ज़रा थोड़ा सा उसकी जो कैफियत है या उसका जो मंज़र है वो अपनी नज़रों के सामने लाएं तो सख्त गर्मियाँ हैं गर्मियों की रात है और खुली फिजा में आमतौर पर अभी भी पाकिस्तान वगैरह में सोया जाता है और हज़रत मसीह मौल सा स्तम का जो इंतज़ाम किया गया वो एक छत पे किया गया और उसकी मंडेर नहीं थी उसकी जो चारदीवारी होती है वो नहीं थी हजरत मसीह मौल सा स्ातम को बताया गया कि आपकी इस तरह छत पे रिहाइश का इंतज़ाम है यानी कि आप रात गुजारेंगे यहाँ पे तो हुजूर ऊपर गए हैं और देख के फ़ौरन नीचे आ गए

और कोशिश ये किया करते कि अपने असाब में भी और तरगीब ये दिलाया करते थे अभी आपने आ, आ, उसका पंडित लेखराम का ज़िक्र किया जब आतम के साथ मुबसा था अजमसी मौल इस्लाम का अब्दुल्ला अब्दुल्ला आतम के साथ और ये पूरा जो प्रोग्राम है या पूरा जो मुबासे की रुदात है रुदात है ये हजर मसीहत सलाम की किताब जो रूहानी खजाइन में जंग मुकदस के नाम से मौसम है वहां पे दर्ज है वहां मेरा मतलब वहां पे शामिल है अब एक रवायत ये आती है कि हजरत मसीहिला के एक, एक, एक सहाबी थे उनकी ये ड्यूटी लगी कि अब उस जमाने में भी देखें इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया तो नहीं था ना ये मेलें थी अब तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना हो तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी पहुंच जाता है तो अब होता ये था कि रुदाद अगर एक फरीक ने मेरा मतलब है कि वहां पे अपना मुद्दा बयान किया है और दूसरे फरीक ने बयान किया है तो वो अपनी कापी की अथेंटिसिटी के लिए दूसरे फरीक को देता था और उसके वहां पर बाकायदा दस्तखत होते थे कि ये बिल्कुल ठीक है यही बात जो है इन्होंने हमारे सामने बयान की थी तो उसकी इस तरह इसकी अथेंटिसिटी हो जाए हजरत मसीह मौदलात की तरफ से जिन सहाबी को मुकरर किया गया कि आप आथम के पास जाया करें और ये जो हमारी मुबास का हमारा हिस्सा है इसकी अथेंटिसिटी करा लें या आपने या उन्होंने जो लिखा पढ़ा होता है और हमारे जो सामीन या हमारे जो लिखने वाले हैं उसको नोट कर रहे होते हैं तो उसकी अथेंटिसिटी भी हो, हो जाए कि ये हमारे लोगों ने लिखा है आप इसको देख लें कि इसमें कोई रद्दबदल तो नहीं करना तो बहर ये काम एक सहाबी का सपोर्ट हुआ तो वो साहबी हज़रत मसीह मसीहम के कहने पर आथम के घर जाया करते थे और वहाँ पे इन जो पेपर्स की अथेंटिसिटी है उस पर बातचीत हुआ करती थी एक दफ़ा आथम ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं उन साहबी को तो उन्होंने बताया कि मैं फलां गांव से हूँ तो इस पर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम फलां को जानते हो अब वो नाम चूँकि मेरे जैन वसरा नहीं है तो उन्होंने कहा हाँ वो मेरे चचा हैं तो वो उठ के गले मिला है और कहता कि इस हवाले से तो तुम तो मेरे भतीजे हुए

तो ये जो गैरत का मफहम हज़रत मसीह मौद सात असलम के दिल में जागजी था वही हजूर ने अपने सहाबा में भी जागजी किया और उस पर हजरत मसीह मदलाम के जो तो सहाबा थे उस पर अमल किया करते थे माशा तो साविन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जिसमें आज हमारे साथ मोहतरम अब्दुल नूर आबद साहब और इस तरह मोहम्मद मूसा साहिब तो शीफ वर्मा है आपकी सहूलत के लिए अर्ज कर दूँ कि आज का ये प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के हवाले से खूस प्रोग्राम है पहले एक घंटे में यानी सात बजे तक हम मौजू से हवाले से जो मौजू हमारे प्रोग्राम का है उसके हवाले से गुफ्तु करेंगे और उसके बाद आखिरी एक घंटे में रमजानुल मुबारक के हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं सवाल के लिए आप किस एक से ज़्यादा तरीक पे हमारे प्रोग्राम को रब्ता कर सकते हैं पहला तरीक़ है कि अगर आप टेलीफोन कीजिए तो ट्रांटो वाले सामिन कर सकते हैं सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो इस पे आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अगर सवाल पूछना है तो उसके लिए नंबर है फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन आप जहाँ से भी फोन करें टोरंटो ट्रौन, में हैं मॉन्ट्रियल में हैं या किसी और जगह पे हैं तो अपना नाम और शहर का नाम जरूर शामिल कीजिए ताकि हम आपके तार्फ़ के साथ आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करें पसंद करें कि आपका नाम ना लिया जाए तो जिक्र कर दें अनीस अहमद साहब कंट्रोल्स पे, पे हैं टेलीफोन पे हों तो उनको बता दीजिए और अगर ईमेल के जरिए आप सवाल पूछ रहे हैं तो ई में जिक्र कर दें हम शहर के तार्फ़ से आपके सवाल को शामिल करेंगे ईमेल के लिए हमारा जो पता है वो नोट कर लीजिए क्यू एनि क्वेश्चन आंसर एट वॉयस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू एनि क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए आज रमज़ानमबारक का हमारा पहला प्रोग्राम और रमज़ान के दौरान हमारे प्रोग्राम में एक छोटी सी तब्दीली है मॉन्ट्रियल वाले सामीन के लिए मॉन्ट्रियल वाले सामीन हमारा ये प्रोग्राम बर रास्त सुनते हैं उसी वक्त जिस वक्त हम इसको नशर कर रहे होते हैं टोरटो से लेकिन रमज़ान के महीने में ये प्रोग्राम आपको रिकॉर्डिंग की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा आपके मॉन्ट्रियल के इलाके की जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वह सिक्सटीन टेन है सोलह सौ दस उस पर आप ये प्रोग्राम आठ बजे से दस बजे के दरमियान सुनेंगे और चूंकि उस वक़्त हमारा बर रास्त प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होता है इसलिए उस वक़्त हम आपके सवाल अगर आप फ़ोन करेंगे तो हम उनको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकेंगे तो ये तब्दीली नोट कर लें मॉन्ट्रियल वाले सामीन रमज़ान मुबारक माह रमज़ान के दौरान हमारा ये जो प्रोग्रामिंग में तब्दीली है वो उसको नोट कर लीजिए अगर आप वेबसाइट पर सुनना चाहते हैं प्रोग्राम तो हमारा पता है वॉयस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए जाके आप ना सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि साब का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुन सकते हैं गुफ्तु का सिलसिला जारी अब्दुल नूर आबिद साहब और मोहम्मद मुस्ता साहब के साथ जी जी मूसा साहब जी जी तो इस वाले से मेरा ख्याल है कुछ और अभी अपना तो जी जी तो 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 नाम तो 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 नहीं लिखा पाऊंगा लेकिन सवाल उर्दू में है इसलिए आसानी है लिखते हैं मिर्जा साहब ने खुद को जहूर करार दिया है उन्होंने हवाले के तौर पर तोहफा एक गोलोड़िया गोलुड़िया लिखा है लेकिन सफा नंबर नहीं लिखा आ, उन्होंने फरमाइश की है कि इसका जवाब ये जहूर कैसे हो गया ये आमतौर पर ये जो मंसूब किया जाता है हज़रत अकदस मसीह सलाम की तरफ आ, सवाल वो ज़िल या बरूस के मानों में होता है हज़रत मसीह सलाम की जो तहरीर है वो तोहफा गोलडविया से ली गई है जिसमें हज़रत अकदस मसीह माउद सलात सलाम फरमाते हैं मैं वो पहले तहरीर पढ़ दूँगा और उसके बाद मैं इन शसूली उस जवाब की तरफ आऊँगा हज़रत मसीह मऊदा सलाम फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्हम की रूहानियत ने एक ऐसे शख्स को अपने लिए मुंतब किया जो खुल्क और खूह और हिम्मत और हमदर्दी खलाइ में उसके मुशाबे था और मजाजी तौर पर सामिन यहाँ पे ये यह जो लफ् है इसको जरा गौर से सुने और इसी में वो तमाम जवाब छुपा हुआ है जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा हजूर फरमाते हैं और मजाजी तौर पर अपना नाम अहमद और मोहम्मद उसको अता किया ते समझा जाए कि गोया उसका जहूर बैने ही आ हज़रत सल्हलम का जहूर था अब यहाँ पे हज़रत अकदस मसीह माउद सलाम ने जो लफ्स उससे पहले बयान फरमाया मजाजी तौर पर जी बिल्कुल इसका माना ये गैर जमात कहाँ से ले लेते हैं कि हजरत मसीह मौदूँ व्ल्लाम ने यह दावा कर दिया कि मैं बैने तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जहर और ऐसा इतराज़ करना या ऐसी बात करना ये सरासर बदयानती है और इस किस्म की बद्यानती है कि जिसको इलमी तौर पर भी बदानती करार दिया जा सकता है उसकी वजह यह है कि जहाँ से ये टुकड़ा लिया जाता है उससे बिल्कुल एक लाइन पहले मजाजी तौर तो पर के अल्फाज वहाँ पर शामिल हैं अब बहुत सारे हमारे सामीन हैं जिनको बरूज और ज़िल के मानी भी उस तरह नहीं पता और वो चिट्ठी बरदार उलम के पीछे लग के तो बाज़ ऐसे एतराज़ात कर देते हैं मसीह मौद सात पे जो बिल्कुल नासमझी का मुजाहरा कर रहे होते हैं सामीन आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर ज़िल की बात की जाए या बरूज की बात की जाए तो तीन किस्म के अमूमी तौर पर हमारे सामने मानी आएंगे जी, जी नंबर एक कि क्या उस शख्स ने बैने ही अपने आप को उस शख्स का वजूद करार दे दिया कि मैं वो शख्स हूं जो दोबारा आया हूं या उसने ये कह दिया दूसरा मायने उसका यह होगा कि मैं उसके हम मरतबा हूं या उसके मरतबे में उसके बराबर हूं और सामीन को यह हमारा खुला चैलेंज है जमात हमदिया के प्लेटफॉर्म से यह दोनों मायने हजरत अकदस मसीह महूदत की किसी किताब से निकाल कर दिखा दें या जमात अहमदिया के लिटरेचर में से कहीं से निकाल कर दिखा दें जो जमात अहमदिया ओन करती हज़रत मसीह मौदलाम के खुलाफा की किसी तहरीर से या किसी खुतबे से यह निकाल के दिखा दें कि कहीं पर जमात अहमदिया का ये मौकफ अख्तियार किया हो कि हम हज़रत मसीह मौद, मौद को नाउज़ बिल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम का बैन ही वजूद करार देते हैं या ये कि उनके हम मरतबा करार देते हैं तो फिर तो बाद बने लेकिन इस किस्म का कोई हवाला ना पेश करना और सिर्फ लफ्जी बातों पे और वो भी बातें अधूरी हों वो पेश कर देना ये किसी किस्म की मंतक नहीं करार दी जा सकती तीसरा माना ये हो सकता है कि इन मानों को अपने ऊपर चश्मा किया जाए मसलन कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है व इज रमायता व ममायता इज रमायता वला रमा के मोहम्मद मुस्तफा वसल्लम को अल्लाह ताला कहता है कि ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी ये मैंने फेंकी है ये मेरी तरफ से फेंकी गई है कि गोया के एक फेल को नबी के एक काम को अल्लाह ने अपनी तरफ मनसूख किया है अब इस बात से क्या कोई ये नतीजा निकालेगा कि वो हाथ जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो बैन ही अल्लाह ताला का हाथ था बिल्कुल ये तो बात नहीं है फिर अल्लाह ताला सूरत में एक और आयत मैं सामिन की खिदमत में पेश करता हूँ अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाह बसमीना कामाला जिन्होंने तुझसे बैत की वो गोया के ऐसे है कि उन्होंने अल्लाह बैत की है और अल्लाह का हाथ उनके ऊपर था अब बैत तो नबी अलैहि वसल्लम ले रहे हैं और अमली तौर पर हाथ भी नबी अक्रम सर था लेकिन यहाँ पे हजरत सल्लाम के अफाल को अल्लाह अपनी तरफ मनसूख करता है तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए नतीजा ये निकाला जाए कि वहां पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि खुदा तला खुद बैठा था कोई इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं बड़ी जबरदस्त बात है आपकी इसमें बड़ा जबरदस्त है कि यही मुहावरा एग्जैक्ट जिस तरह अल्लाह तला ने रसूल करीन के लिए इस्तेमाल किया कि रसूल करीन का हाथ था वहां पर घुमाया अल्लाह तला का हाथ है यही मुहावरा कुरान करीम ने रसूल करीम सलम के लिए भी मुख इस्तेमाल किया कि उसका आना जो है वसी हम का आना जो है वो रसूल करीम सलम का आना होगा सुरतल जुमा की जो आयत है उसमें यह बात वाज है रजीम सूर् जुमा की आयत नंबर तीन है हमारे सामने आयत नंबर चार वल्लाजीब आसफ अलमजीना रसूलमिन हमतम आयाति व्यू झकी हम वाबा वाम कानफी मुबीन व आ ख़ हना मिनह लम्मा यहाको वहीम बहूल अजीज़ुल हकीम अब यहाँ पर भी कुराना करीब तो साफ अल्फ़ाज़ में कह रहा है कि उसने उम्मी लोगों में एक रसूल को भेजा है जो उनके सामने आयात की तलावत करता है उनको पाक करता है उनको किताब सिखाता है और हमत सिखाता है और इससे पहले वह लोग खुली खुली गुमराही में मौजूद थे और फिर साथ ही फरमाया कि इस वक्त भी वो रसूल मौजूद है वह आ खारीना मिनहम लम्मा यहाकों भीम आख़रीन में भी वो नबी जो है वो दोबारा मबूस होगा यानी रसूल करीम करीमलम की बेसत जो है ज़िली तौर पर बेहसत जो है वो एक दफ़ा फिर होगी और उसके मतलब फरमाया वहू वाली और इस पे सहाबा को सवाल तो पैदा हुआ वहां पर रसूल रसोल करीमल की मलिस में जब पहली दफ़ा ये आयत पढ़ी गई रसूल ने सहाबा को पढ़कर सुनाई नजूल के बाद तो उसी वक़्त ही सहाबा के दिलों में ये सवाल भी पैदा हुआ कि रसोल वल्लम की जिंदगी में ही क्या ये सूरत हाल भी हो सकती है कि आम की दोबारा भी बेसर होगी उन्होंने कहा यारसूल हमें शायद की समझ नहीं आई उस पर आम वल्लम खामोश रहे रसूल करीम का ये तरीक़ था कि जिस चीज़ के मुतल हज़ूर को खुद भी अभी पूरी तरह इल्म नहीं होता था हजूर उसके मतलब खामोशी इख्तियार करते थे गोया उस वक्त फिर दोबारा एक वही का इंतजार हो रहा होता था खुदा तला की तरफ से तो जब तीन दफ़ा पूछा गया तो उसके बाद फिर रसूल करीम सल्ला वलम ने यकीनी तौर पर अल्लाह तला से रहनुमाई पाकर ये बयान फरमाया वहां पर हजरत सलमान फारसी रजील मौजूद थे मजलिस में और उनके कंधे पर हजूर ने हाथ रखा और फरमाया कि आखिरी जमाने में जब ईमान सुरैया पर चला जाएगा तो उस वक्त फिर अल्लाह में से उस वजूद का लेकर आएगा यानी रसोले करीम सल्लासम ने खुद ही शायद की तशरीफ़ फरमा दी और इस मजमून की तशरीफ़ फरमा दी कि मेरे आने से मुराद वहाँ पर क्या है पेश में मौजूद थी ये बात तो इस वाले से ये बड़ा आपने भी बड़ा जबरदस्त हवाला जहाज से भी ये जवाब दिया और खुला खुला चैलेंज भी मौजूद है कि रसूल करीम से मकाम में अपने आप को ना बरतर किया ना साबित किया नहीं साबित करने की कोशिश भी नहीं की बल्कि जिस जगह पर भी, भी फरमाया यही फरमाया कि मैंने तो सब कुछ रसूल करीम सल की फैज से ही हासिल किया है और उन्ही की काबिल पैरवी के नतीजे में ही मुझे ये नबूत का जो मकाम है वो मिला है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यहाँ पे मैं थोड़े से बात ज़िल और बरूज के तौर पर बात करना चाहूँगा कि ये कोई नई असलाह नहीं थी जो हज़र मसीमिल ने अब चूंकि कुरने करीम के हवाले तो मौजूद होते हैं और उस पर जमात अहमदिया के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो मुख्तु मौक़ों पर और खुदा तला के फजल से छब्बीस साल से हम ये रेडियो अहमदिया भी चला रहे हैं और मकरम नज़ीर साहब मुझे तो कोई ऐसी प्लेटफार्म कहीं पर किसी दूसरी जमात की तरफ से नहीं मिलता कि जो खुद अपने अकायद के ऊपर सवाल करने का इतने लंबे अरसे से मौका दें और कहें कि ओपनली हमारे से हमारे मुताल सवाल करो अगर कोई चीज आपने सुनी है तो आए और आपको वेलकम है कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और इन जो इतराज हैं आपने सुन रखे हैं उनका जवाब लेने की कोशिश करें यहाँ से अब बात यह है कि जो जिल और बरूस का है इसके मानव इसके मुतल भी मैं आपको बता दूं कि आपकी अपने उल्ला बातें लिखते रहे हैं बाज लोग तो इसको गैर इस्लामी करार देते हैं या गैर इस्लामी असलाहे करार देते हैं लेकिन दारूम दार्लू देवबंद के जो बानी हैं हज़रत मौलाना कासम अली नानोथवी साहेब वो लिखते हैं इसको ये तहजीर नास का एक हवाला है कि अम्बिया में जो कुछ है वो जिल और अक्स मोहम्मदी है तो ये वो लफ्स है जो जिसके बारे में हज़रत मसीह मौल साम को मोरदिल्ज़ाम किया जाता है इनके अपने जो उल्मा हैं इन हवालों को लिखते हैं लेकिन मेरे पास बहुत सारे हवाले मौजूद हैं लेकिन एक बात जिसकी तरफ मैं तो ज्यादा दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि और कोई बरूज या जिल हो या ना हो हज़रत मसीह मौदला ने बहरहाल झल और बरूज होना था अब आपके अपने जो हैं उनके मैं बाज या सिर्फ दो हवाले पढ़ के सुनाऊंगा अगर किसी को शौक हो तो मैं मजीद भी हवाले पढ़ सकता हूँ हजरत शाह वली साहेब दहलवी ये कहते हैं कि यानि शान में सबसे बड़ा नबी वो है जिसकी एक दूसरी किस्म की बासत भी होगी ये उसी आयत की तरफ इशारा है जो आपने अभी पढ़ी है जी और इस तरह के मुराद अल्लाह ताला की दूसरी बासत में यह है कि वो तमाम लोगों को जल्मात से निकालकर नूर की तरफ लाने का सबब हो और उसकी कौम खैर उम्मत हो जो तमाम लोगों के लिए निकाली गई हो लिहाजा इस नबी की पहली बासत दूसरी बासत को भी लिए हुए होगी तो ये जाहरी तौर पर और अन वही बात है जो जमात अहमदिया पेश करती है शाह वली ने भी यही बात की है इसका हवाला हजरत अलबालग में है इसका भी पेश किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर फिर एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ता हूँ तफहीमत अलाहिया किताब है और ये भी शाह वली साहब की है बरूस की मुख्त किस्मों को या उसकी अकसाम को बयान करते हुए वो लिखते हैं कहते हैं कि यानि हकीकी बरूस की कई अकसाम हैं कभी यूँ होता है कि एक शख्स की हकीकत में उसकी आल या उसके मुतवसलिन दाखिल हो जाते हैं जैसा कि हमारे नबी अक्रम सल्ला की मेहदी से ताल्लुक़ में इस तरह की बरूजी हकीकत वकू पज़ीर होगी यानी मेहदी आ हज़रत हकीकी बरूस है कितने वाशगाफ़ अल्फाज में और साफ अल्फाज में यहाँ पिशावली ने इस मामले को हल किया है के और किसी ने होना है या नहीं होना उससे हमारा कोई सरोकार नहीं लेकिन हज़रत मसीह मऊदलाम के लिए यह मुक़दर था कुरानी करीम की आयात इस पर नातिक हैं अहादीस इस पर शाहिद हैं और इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं मुसलमानों के वो भी इस बात को लिखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद्य सलाम ने बहरहाल नबी अक्रम सल्ला का उम्मती होने के लिहाज से बरूस भी होना था और ज़िल भी होना था रजाक मल्ल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जिसमें आज हमारे साथ मोहतम मोहम्मद मूसा साहेब और इसी तरह अब्दुल नूर रब साहब तशी फरमाएँ एक सवाल ई मेल पर आया है आ, ये सवाल आया है आमिर अहमद साहब की तरफ से है आ, पूछते हैं क्या मैं, मैं उन्हीं के अल्फाज पढ़ देता हूँ मैंने हाथ से लिखा लेकिन अपनी लिखाई बाज़ हुआ नहीं पड़ी जाती <laughs> फरमाते हैं क्या मसीम माऊद जिनको आप मानते हैं ने सजा से बचने के लिए अदालत में झूठ बोलने से इनकार किया है वैसा तो वाक्य है ऐसे तो बेषुमार आता है, जहाँ पर हजूर ने अपने अपनों के खिलाफ भी गवाही दी ना सिर्फ ये कि झूठ से बचे बल्कि अपनों के खिलाफ बाकायदा जो सच्ची गवाही बनती थी वो दी एक उसमें से जो सबसे पहला वाक्य जिसकी तरफ वालबन यह इशारा करना चाह रहे हैं वो मुकदमा डाखाने का है हज़रत अबदस वसीम को जैसे शुरू में भी जिक्र हुआ कि आपने इस्लाम का भी दिफा किया और रसूल करीम सल्लाम का भी दफा किया और उस दिफा का जो सबसे ज़बरदस्त और मवसर जरिया था वो आपके मज़ामीन थे आपकी कुतुब थी तहरीरात थी आपने जो अपनी तस्नीफात का आगाज़ किया या तारीफ़ा का आगाज़ किया या कलमी मैदान में जब उतरे हैं तो उसमें सबसे पहले आपने मजामी लिखने शुरू किए जो मुख्तलिफ़ एतराज़ात होते थे उनके ऊपर उनके जवाब में आप मजामी लिखा करते थे और मख्लिफ़ अखबारों को भिजवाया करते थे अखबारों में भिजवाते थे मुख्तु रसालों में भिजवाते थे तो इसी तरह का एक ये वाक़ हुआ कि एक पैकेट आपने जो था वो भिजवाया एक पब्लिशिंग कंपनी को और उसमें एक ख़त भी डाल दिया और उस पब्लिशिंग कंपनी के जो गबन हिंदू थे उन्होंने हज़रत अदर फिस पर मुकदमा कर दिया कि इन्होंने गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है इनको ख़त अपना अलहदा पोस्ट करना चाहिए था उसकी अलग टिकट लगती थी और जो पैकेट था जो मजामी थे वो अलग आने चाहिए थे तो उस पर ये बाकायदा मुकदमा हुआ और वो जो हरत मसी मौदा के वकील थे वो उनको बार बार ये मशवरा देते थे कि यह शख्स क्योंकि मौानद है आप ये गवाही दें या ये बयान दें वहाँ पर कि ये शख्स क्योंकि मौनद है दुश्मन है इस्लाम के साथ बगत रखता है और मैं इस्लाम के दफ़ा के लिए काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कि ये खत इसने खुद उसमें रख दिया हो यह खत मैंने इसे आपने ला तलकी का इजहार करना है कि यह खत मैंने नहीं रखा लेकिन हजरत हज़रतदस मसीह मऊदा सल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया उन्होंने कहा कि जब हमने रखा है तो रखेंगे हाँ मेरा ये ख्याल था कि यह ख़त जो है इसका उसी मजामी के उन्हीं मजामी के साथ ताल्लुक है और यह उससे अलहदा नहीं है इस वजह से ही मैंने बीच में रख दी है चीज़ उसने कहा इस सूरत में तो फिर आपको बचाना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन हजरत वसीम ने उसके बावजूद वही बयान दिया अदालत में और उसके बाद उसको जज को भी इस बात की समझ आ गई और चूँकि उनसे एक नादानिस्ता तौर पर यह गलती हुई थी दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए या उन्होंने यही समझा कि ये इस मज़मून का या जो चीज़ भिजवाई गई उसी का एक हिस्सा है तो जब ये चीज़ उसको भी समझ आ गई तो इस वाले से वो फिर उनको उस सच बोलने की बरकत से के ऊपर कोई किसी किस्म की सज़ा भी नहीं हुई और बरीयत हो गई थी जज्ल उम्मीद है आमिर अहमद साहब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा सामिन यहाँ मैं अपने उन सामिन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारा प्रोग्राम इंटरनेट, इंटरनेट पर सुनते हैं आपके मोहब्बत बड़े पैगाम आपके जात हमें दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं आपका बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के हमारी तोजह दिलाते हैं हमारी तोज्जो उस तरफ करवाते हैं जहाँ पर कुछ बेहतरी की गुंजाइश हो या आपके मशवराज जो हैं आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताली आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपको लिए मज़ीद फजाइल जो है उनके दरवाजे खोले रमज़ान के महीने में हमारे प्रोग्राम में कुछ तब्दीली है वो सामीन नोट कर लीजिए पहली तब्दीली यह है कि मॉन्ट्रियाल के जो हमारे सामीन हैं वो इस प्रोग्राम को रमज़ान के महीने के दौरान बराह रास्त नहीं सुन पाएंगे हमारा प्रोग्राम छः से आठ बजे के दरमियान इतवार के दिन इतवार की शब नशर होता है तो ट्रटो वाले उसी तरह सुन सकेंगे लेकिन मॉन्ट्रियाल वाले जो हैं उनके लिए ये प्रोग्राम आठ से दस बजे के दरियान रिकॉर्डिंग की शक्ल में पेश किया जाएगा चुनाच जब हम इसमें ऐलान करते हैं कि आप अपना सवाल भेजें तो वो माजरत के साथ मॉन्ट्रियल वाले सामीन के लिए नहीं है अगर वो आठ से दस बजे के दरमियान सुन रहे हैं अगर आप छः से आठ के दरमियान सुन रहे हैं टेलीफोन पे सुन रहे हैं इंटरनेट पे सुन रहे हैं तो आपके सवाल को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेकिन अगर आठ से दस के दौरान है तो वो वाला हमारा प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड है और उसमें हम आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाएंगे लेकिन ये जो तब्दीली है ये सिर्फ माह रमजान के लिए इनशाला रमजान के बाद हम वापस अपने मामूल के औकात पे आ जाएंगे अगर आपने ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना है तो हमारा इंटरनेट का पता है वॉयस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए जहाँ ना सिर्फ ये प्रोग्राम बर रास्त बल्कि का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुन सकते हैं अगर आप टेलीफोन के जरिए ये सुनना चाहते हैं तो हमारा जो टोरंटो वाला नंबर है वो इस वक्त काम कर रहा है मॉन्ट्रियल वाले पे नंबर पे आप ये प्रोग्राम बरह रास्त नहीं सुन पाएंगे हाँ आठ से दस बजे के दरमियान वो नंबर भी आपके लिए मौजूद है टोरंटो का नंबर है सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो मॉन्ट्री वाले अगर दस आठ से दस के दरमियान सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारा नंबर है फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन जीरो फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन जीरो सवाल पूछना चाहते हैं अगर आप ईमेल के जरिए तो हमारा पता क्यू यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉयसलाम डॉट सी ए क्यू यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए अगर आप टेलीफोन के जरिए पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन यह नंबर टोरोंटो का नंबर है लेकिन आप इस, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें अपना सवाल जो है पेश कर सकते हैं अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी एक घंटे में दाखिल हो गए और इस जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इसमें हम मुबारक के हवाले से भी सवाल जो हैं वो लेंगे मौजू के अलावा तो अगर आपके जहन में कोई मुबारक के हवाले से कोई सवाल है तो आप हमारे प्रोग्राम में अपने सवाल को शामिल कर सकते हैं हमारे एक साथी हैं खालिद महमूद साहब एडमिंटन से उन्होंने इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल पूछा है फरमाते हैं असलकुम जी मेरा सवाल ये है कि जो नमाज तरावी है यह आदमी अकेला भी पढ़ सकता है या बाजमात ही होती है ये खालिद महमूद साहब एडमिटन से जी नमाज़ तरावी जो है वो ये बाहर में रखनी चाहिए कि इसका जो हमें तारीखी अतबार दे से देखें तो हज़रतमर रज़ी अल्लाह तुके के ज़माने से इसका बाकायदा रिवाज का आगाज हुआ और बहरहाल हमारा ये अकीदा है कि जो चीज़ भी रसुल करीम सलील वसम की सुनत से सबित है या खलफ़ राशिदीन जो चार खुलफात थे उनकी भी सुनत से जो चीज़ सबित है उसको हम अपने लिए काबिल अमल समझते हैं जी। तो रसुल करीम सलील वम के ज़माने में बाकायदा तरावी का कोई शवाहद मौजूद नहीं है और हमें नहीं मिलते लेकिन हज़र उमर रसिल तैन के ज़माने में बाज़ जो मेहनत मशक्कत करने वाले लोग थे मज़दूर पेशा लोग थे वो हजरत उमर की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए सुबह के वक़्त उठना मुश्किल होता है तो उस वक़्त हम जो है वो नवाफिल पढ़ने में हमारे में कमी हो जाती है तो क्या ऐसा तरीक़ा हो सकता है कि हम इशा के बाद जो है वो नवाफिल को अदा कर लिया गए तो इसमें कोई शक नहीं कि बाजमात वो फिर उसके लिए तरीका राजज कर दिया गया लेकिन तरावी की जो असल है वो तहज्जुद ही है इसमें कोई शक नहीं और तहजद जो है वो इंफरादी भी है और इजमाई भी है दोनों तरफ पर हो सकती है तो इसलिए तरावी अगर आप बाजमात नहीं पढ़ रहे किसी जगह इंतज़ाम नहीं है तो इंफरादी तौर पर भी आप बायदा तौर पर वो नवाफिल जो हैं वो आप अदा कर सकते हैं और अदा करने की इजाज़त है जजकमा उम्मीद है खालिद महमूद साहब आपको अपना सवाल मिल गया होगा जी रमज़ान के हवाले से अब हम सवाल को भी लेंगे अगर आप रमज़ान के हवाले से कुछ अमूमन जो सवाल पूछे जाते हैं उनको लेके जी बिल्कुल जवाब दे दीजिए इसमें साहब एक सवाल जो अक्सर किया जाता है वो ये है कि क्या रोजे की हालत में ब्रश किया जा सकता है दांत का ही नहीं इसमें बाद लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो टूथपेस्ट का मजा जो है और खुशबू है उसकी वजह से शायद वो उस चीज की इजाजत नहीं होती लेकिन रसोल करीम सल्ला वसलम से यह साबित है कि रसोल करीमसरम बड़ी बाकायदगी के साथ मिसवाक किया करते थे और जब हम मिसवाक को देखते हैं तो मिसवाक जैसे हमारे पाकिस्तान में अक्सर नीम की मिसवाक बहुत पसंद की जाती है अब उसका भी ज़ायक़ा है कड़वाहट भी होती है उसमें और वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं रोज़े में भी इस्तेमाल हो सकती है कीकर की मिसवाक इस्तेमाल होती रही है तो ये चीज़ें जो रसूल रसोल से साबित है उसी मिसवाक का इस वक्त मुतबादल जो है हमारे पास या उसके एक मॉडिफाइड मजीद अच्छी शक्ल कह लें अच्छी चीज में आ गई है वो वो हमारे पास टूथपेस्ट और टूथब्रश है इसलिए इसमें टूथपेस्ट करने में या टूथब्रश करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है और सफाई होती है उससे उसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है बाज़ लोग साहब मैंने ये भी सुना है बाज लोग नहीं करते दान साहब जान के और कहते हैं कि क्योंकि वो हदीस में आया है कि रोजेदार की जो मुंह की जो बू है वो भी अल्लाह ताला को पसंद है तो इस हवाले से भी वो बाज इसकी तरफ लेके जाते हैं कि नहीं बुरश कर ही नहीं सकते हम क्योंकि ये जो बू है ये भी अल्लाह ताला को पसंद है उसका भी स्वभाव लिखा जा रहा है तो उस हवाले से भी मेरा ख्याल है वो खाली मेदे की असल बात यही है कि जो जो, मेदा, वो जो मैदा तो, वो जो वो वाली जो बू है जिसका उस पर जिक्र है हदीस में जिस चीज़ का जिक्र है वो आपको बाज़ा जब खाली पेट होते हैं तो गैसेस की वजह से वैसे वो मेदे से उठने वाली बाकायदा खुशबू बू है जिसकी अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमाया उसकी वजह से एक तकलीफ है ना एक भूख की तकलीफ रोजादार वैसे उठा रहा है और उसके बाद उस मैदे से उठने वैसे भी उर्दू में जैसे मुहावरा है जैसे चूहे होते हैं पेट में जब भूख लगी होती है तो उसी तरीक पर है वही गैस हुई है उसकी वजह से जब आपके पेट में कोई ऐसी चीज है नहीं है कि जिसकी खुशबू आ सके तो वो जो मेदे की बू है उसको भी अल्लाह तला ने फिर अपने बड़ा अपना उसको एक मकाम दिया है उस बू को भी पसंद फरमाया है वहां पर उस चीज़ का जिक्र है एक और सवाल जो पूछा जाता है वो सफर में सफर की तारीफ यानी <laughs> सफर में रोजा नहीं रखना हमारे टीचर थे वो कहा करते थे जिंदगी एक सफर है जिन्दगी। जिन्दगी। <laughs> तो हम पूछा <laughs> करते <laughs> थे कि जी, फिर रोजा माफ <laughs> गए। तो उस पर डांट पड़ जाती थी लेकिन सफर की क्या तारीफ आप करेंगे जी मुझे सफर की तारीफ के हवाले से सीधी सी बात है कि सफर जो है वो आपका वो है जो आपने गठड़ी उठा ली और इरादे के साथ किया वरना आजकल के जो हालात हैं बार दफा डेढ़ डेढ़ सौ दो, दो सौ किलोमीटर जैसे अभी अब तो नूर साहब माशा बैरी से तशरीफ ला रहे हैं तो बैरी का यहाँ से सफर पैंतीस चालीस किलोमीटर का बन जाता है ना पैंतीस चालीस किलोमीटर का सफर है तो वो सफर काउंट नहीं होगा तो सत्तर किलोमीटर के करीब जो बन रहा है सफर तो वो उनके लिए सफर नहीं वो अपनी जॉब पे आए या अपने काम के लिए आया इधर इस तरह बाकायदा ना उन्होंने बैग पैक किया है अपना ठीक है अपनी गाड़ी में बैठे सल आगे लेकिन यही सफर अगर आपने तीन दिन के लिए चार दिन के लिए कुछ हरसे के लिए यहाँ पर आना है अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं एक रोजाना की रूटीन नहीं है तो वो आपका सफर काउंट होगा बाकी सही है यानी ये हालात पे है हालात पे, है पे, है पे, है। पे और नियत पे नियत इसमें जरूरी है जब आपने सफर की नियत कर ली बकायदा तो वो फिर काउंट होगा इसी तरह एक और चीज जो पूछी जाती है या देखी जाती है कि रोजे किस उम्र में रखने चाहिए हमारे बाज़ गैर आंदी मुसलमान जो हैं वो बहुत छोटी उम्र में और बहुत इस इस बात को पसंद करते हैं कि बच्चे छोटी उम्र से रोजा रखें इसके बारे में कोई हमें तालीम या कोई हिदायत या है ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि बाजबाजा तो म की बात हो जाती है और पाकिस्तान में बाज़ ऐसे वाक़ात मिले भी कि जिसकी वजह से बच्चों की वफ़ात भी हो गई तो इस्लाम तो कतन ऐसा नहीं है रसुल करीम सल्लाया कि दीन आसान है अ दीन दीन तो आसान है और आसानी ही पैदा करनी चाहिए और ये बहुत बड़ी हमत है जो अलैहि वसल्लम ने या इस्लाम ने कोई एक उम्र मुकर्र नहीं कर दी जी ये हर किसी के अपने हालात के ऊपर बलूकत के ऊपर है कोई कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं या टीन हैं जो पंद्रह साल की उम्र में ही अपनी काफ़ी कोह उनके मजबूत हो जाते हैं और वो इस भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं बाज आपके ऐसे हैं बच्चे जो अपनी सेहत इतनी अच्छी भी नहीं होती उस तरह या फिर ग्रोथ चल रही होती है और अठारह साल की उम्र तक भी वो इस काबिल नहीं होते कि वो रोज़ा रख सकें उनमें कमज़ोरी के आसार होते हैं इसलिए बलूगत की उम्र रखी है कुरान करीम ने और इस्लाम ने कि जब इंसान बालिग हो जाए तो उसके बाद फिर उसके ऊपर रोजे रखने फ़र्ज हो जाते हैं तो यह आपकी टीन एज जो है वो बीच में से एक लिहाज से गुजर सकती है और इसका तरीक़ाकार आसान ये है कि बच्चों को तोजो दिलानी चाहिए कि कुछ कुछ रोजे रखना शुरू कर दें ज़रूरी नहीं कि तीस रोज़े पूरे रखें शुरू में पहले साल आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती जाएगी और डेवलपमेंट होती रहेगी उस तरह तो वो आदत भी पड़ जाएगी और आदि जिसम जो है इंसानी जिसम जो है वादी हो जाता है बहरहाल इस चीज़ को बहाना भी नहीं बनाना चाहिए बीमारी के हवाले से भी यही बात है और ये बलुगत के हवाले से भी यही बात है कि जब इंसान इंसानी गवाह जो हैं वो ख़ुद बताते हैं कि आपको इस चीज़ की तोफ़ीक मिल रही है तो फिर आपको ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए तो, ये गया है। तो, तो कुछ ऐड करना है नहीं, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल यही है प्रैक्टिस के लिए लोग करवाते हैं वो आ, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि आप अपने बच्चे को रोजा रखवा रहे हैं वैसे ही तफन के तौर पे कहते जी मैं हर पंद्रह मिनट बाद रखवाऊंगा <laughs> <laughs> तो ये है कि उसका ताल्लुक जो आपने जैसे जिक्र किया बिल्कुल बलुगत के साथ है उस पर और इसमें एक और भी बात होती है बाज ऐसी मशक्कत होती है मसला स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ाई का उनके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं और अगर वो उस बीमारी के जुमरे में भी जो अल्लाह ताला ने मरीज का रखा है वहां पर उसमें आते हैं कि अगर उनको ऐसा पढ़ाई का बोझ पड़ गया है इम्तहान हो गए हैं तो उस सिलसिले में भी उनको जरूरी है कि अगर वो अपने हालात के मुताबिक अगर देखें खुद फैसला करना है उन्होंने कोई दूसरा बंदा उस पे वो नहीं लगा सकता उनके अंदर क्या मामला हो रहे हैं तो बाकी दिनों में अल्लाह ताला ने जो सहूलत दी है उसे जरूर फायदा उठाना चाहिए और उसमें रख लें बस ये बात हमेशा मद्देनजर रहनी चाहिए कि इस्लाम ने हमें यही सिखाया है खैर अमूर कि बेहतरीन जो दरमियाना रवि अख्तियार करना है वो सबसे बेहतरीन अमल है ना हमें बिल्कुल शिद्दत की तरफ चले जाना चाहिए और ना ही बिल्कुल नरमी की तरफ चले जाना चाहिए ना ही इस तरफ होना चाहिए कि बहाना जोई की तरफ नफ्स चला जाए कि नहीं जी अभी हमारी उम्र हो नहीं इंसान को खुद पता होता है अल्लाह ताला ही कुरान करीम में फरमाता है कि इंसान जो है वो अपने मुतलिक जानता है वलो का माजियारा चाहे जितने मर्ज़ी फिर उज़र जितने मर्ज़ी करता रहे तो उज़र नहीं होना चाहिए हकीक़ी हकीकत पर अपनी बात होनी चाहिए तो उस वाले से हमें ये और इंसान खुद बता सकता है कि उसको क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है इस वाले से जी कनाडा जो मुल्क है उसके अगर आप शुमाल में चले जाएँ तो वो इलाके आ जाते हैं जहाँ पे सोलह अठारह और बारह जगहों पे तो चौबीस घंटे के बल्कि कई माह माह का दिन और रात होते हैं जी बिल्कुल तो उस सूरत में क्या आप इतनी देर तो रोजा ही नहीं रख नहीं सकते इतनी देर तो रोजा भी नहीं रख सकते नमाजों का भी मुश्किल हो जाता है दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं इस वाले से तो उसका तरीका कार ये है कि जो करीब तरीन इलाका बनता है जो जहां पर नॉर्मल है जिस तक रखा जा सकता है उसके मुताबिक फिर जो टाइमिंग है उसकी सेट कर ली जाती है तो वो कर लेनी चाहिए उस टाइम के मुताबिक फिर वो रोज़ा रखें और अपनी नमाजें अदा करें जो करीब इतनी नॉर्मल एरिया है इलाका है कोई शहर है उसको आप ले लेंगे तो उसके मुताबिक फिर वो चलता रहता है क्योंकि हमारे एक दफ़ा इधर मस्जिद में एक मैं किसी से बात कर रहा था नमाज के बाद उस गुफ्तु में, में मेरा नाम आया अच्छा गालिबा जो मुखातिब थे उन्होंने मेरा पूछा या किसी और ने जिक्र किया मुझे अब याद नहीं तो दूर से एक साहब मेरा नाम सुन के मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि आप मुकरम नजीर हैं मैंने कहा जी मैं हूँ मैं नहीं पहचानता उन्होंने कहा मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जहाँ अच्छा। अच्छा। मैं सुनता हूँ वहां ये वो आर्कटिक सर्कल के अंदर है वो जगह अच्छा, अच्छा। कैनेडियन है वो टेरिटरी तो उससे मुझे जेन में आया कि ये एक्चुअल लोग हैं जो वहां पे रहते हैं और हमारी जमात के वो जमत अहमदिया से उनका ताल्लुक था तो नहीं शायद आज प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ज़रूर हमें टेक्स्ट की, कीजिए या ईमेल कीजिए जो भी आपको सहलत है कि आप कैसे रोजे रख रहे हैं बिल्कुल नहीं आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है बहुत दूर दराज के जो बाजात इलाके हैं हमें नहीं पता लग रहा होता कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है जी, जी। लेकिन बाज वहां पर विजिट करें या कोई पैगाम आए तो पता लगता है कि अलहमदल्ला रेडियो जो वॉइस ऑफ इस्लाम है उससे लोग सराहते भी हैं और सुनते भी हैं अलहमदिल्ला रोज़े के हवाले से आ, कुछ और चीज़ें हैं जो आ, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ एक तो यह है कि सैरी का वक्त का तयन कैसे किया जाए जा बड़े शहरों में तो चले सहूलतें हैं आपके पास आजकल इंटरनेट के ज़रिए सारा कुछ आ जाता है लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मुहैया नहीं है या आपका शहर इतना बड़ा नहीं है आप जिस जगह पे हैं वो इसमें इस से किसी तरह वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता क्या असूल है मोटे तौर पर जिसको हम सैरी या अफतारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए इसका जो तो करीम ने वाजे तौर पर जिक्र फरमा दिया ठीक है वो अलग बात है कि उसका उसको ना समझने के नतीजे में बाद एक लिहाज से वो मुसीका खेज चीजें भी बन गई मसलन सिया धागा और सफेद धागा अमलन तौर पर रख लिया वहां पर हालांकि धागा मुराद नहीं था जी पर तो धारी मुराद है तो जब हम आसमान को देखते हैं तो उफक पे जब रोशनी की पहली किरण नजर आ जाए जो भी वो वक्त है हर शहर के लिहाज से बल्कि हर इलाके के लिहाज से वो फर्क हो सकता है होता है तो जिस वक्त वो धारी नजर आ जाए उफक के ऊपर यानी कि आपके बिस्तर पे पड़ा हुआ सफेद धागा या काला धागा <laughs> मुमताज हो जाए वो बात नहीं है, है। तो वो उफक के ऊपर जो धारी है जिस वक़्त वो नजर आ जाए तो वो वक्त है रोजा के बंद करने का शहरी का वक्त वो है शहरी के इंतहा का वक्त वो है ठीक ये भी काफी कंफ्यूज और तरह अवतार का दे क्या है का है। तो खैर मगरब की अफ्तार का तो मगरब जिस वक्त सूरज ढल जाता है बिल्कुल सूरज नजर आना बंद हो जाए जला गया तो वो आपका अफतारी का टाइम है इस, इस वजह से ये भी याद रखिए सॉ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक कामयाब रहेगी फलाह पर रहेगी जब तक वो सहरी करने में देर करती रहेगी और अफतारी करने में जल्दी करते रु रहेंगे बिल्कुल नहीं इसमें वो जो जलील देने की कोशिश करते हैं बाज लोग बहुत देर से रोजा जो है बिल्कुल कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जब सूरज छुप जाए और सितारे वगैरह नजर आने लग जाए उस वक़्त बाजू रोजा अफार किया जाता है तो उसमें भी यही है कि जो कुरानी करीम का जो लफ्स है लाइल उससे वो दलील पकड़ते हैं कि जब पूरी तौर पर सूरज जो है वो चला जाए और फिर उसके बाद जो है वो अवतार किया जाए लेकिन लाइल के जो मुख्तलिफ मानी है जो हमारे आ, लोगत नवीस हैं मुसलमान हैं उलमा हैं उन्होंने जो लिखे हैं वो लाइल का वक्त वहीं से शुरू हो जाता है जहां से सूरज का गुरूब शुरू हो तो जैसे ही सूरज गुरूब हुआ वहां से लाइल शुरू हो गई तो एक सिरे से दूसरा सिरा उसका जो है वो तमाम का तमाम लाइल कहलाएगा ना ये कि पूरी तरह आपको सितारे नजर आने लग जाए फिर आप अवतार करें जाकमल्ला सामिन हम आज रमजान के हवाले से गुफगु कर रहे हैं इस अपने आखिरी एक घंटे में हमारे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद मूसा साहेब और अब्दुल नूर आबिद साहब तशी फर्मा है अगर आपके जहन में रमजान के हवाले से कोई सवाल हो तो आपको दावत क्या आप हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करके पूछ सकते हैं हमारे स्टूडियोज में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके पास एक से ज्यादा तरीके हैं पहला तरीक ई मेल का है क्यू ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू एन क्वेश्चन आंसर एट वॉयस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए अगर आप टेलीफोन के जरिए सवाल पूछना चाहें तो हमारा नंबर है फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन जो हमारे सामे मॉन्ट्रियल में हैं और इस प्रोग्राम की नशरियात बरह रास्त नहीं सुन पा रहे क्योंकि रमजान के हवाले से तो उसके लिए आप ट्रटो का जो नंबर है उस पर सुन सकते हैं सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो या आप इंटरनेट पे सुन सकते हैं वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए हमारी वेबसाइट है वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी एमी साहब ने मुझे दिखाया कि आज इधर वॉन में अफतारी का वक्त जो है वो सात बज के अड़तालीस मिनट पे है तो ये उन्होंने कहा कि आप ऐलान कर दें सात बज के अड़तालीस मिनट पे वन जो शहर है कैनेडा का उसमें है बाकी जो इस जगह से किसी और शहर में है वो अपने मकामी वक्त के मुताबिक कीजिए राबे साहब अभी बात हो रही थी आर्कटिक सर्कल की और साहब की मैंने वो शहर निकाला कंप्यूटर पे उसका नाम है टुक टू टुक ये उसका नाम है अच्छा। और ये इस वक्त मेरा जो कंप्यूटर है उस पे हुआ है अच्छा। जो वो बिल्कुल वहां बिल्कुल और ये एडमिंटन से गालबन 1200 किलोमीटर नॉर्थ है ठीक अच्छा, अच्छा, है अभी एडमिंटन से हमारे एक सामने ने सवाल किया था, था।, था। उस सवाल तो से बिल्कुल तो उससे ऊपर है और ये उन जगहों पे है जहाँ पे आप बाय रोड जाके बारह घंटे चौबीस घंटे का दिन या चौबीस घंटे की रात देख सकते हैं वरना आमतौर पे आपको फ्लाई करके जाना पड़ता तो पहली दफा इस तरह का नाम ना ये मकानी जुबान के अल्फाजा है जी वो भी मकामी जुबान का लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है मिसागा हमारा शहर है जी, ट्र, ट्रौंटो ट्रौंटो के है। साथ जी।, जी। एक सवाल मुसाफ एक और किया जाता है मसलन ये हमारे जो सामीन है उनके फ़ायदे के लिए भी इस तरह के सवाल हम करते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर वैसे भी आम दिनों में भी कुरान करीम पढ़ने की तरगीब दिलाई जाती है और रमज़ान में खास तौर तो पर बच्चों में हम कम्पटिशन भी करवाते हैं हमारी जमात में तो खुदा तला के फजल से बहुत आ, मजबूत निज़ाम है हमारा और लेकिन आम घरों में भी बड़े बूढ़े जो हैं वो बच्चों में कंपटीशन करवाते हैं मुकाबला करवाते हैं कि कुरान करीम की तलावत और कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ना जो है उसकी तरगीब और उनके आ, उनको बताया जाता है और आखिर पर उनको इनाम भी दिया जाता है उनकी हौसला अफजाई के लिए तो एक बच्चे ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में आ, सवाल किया उसकी वसात से उनको जवाब तो उस वक्त भी दे दिया गया लेकिन हमारे बहुत सारे सामीन ऐसे होंगे जो आ, हो सकता है सुनना चाहें इसको एक बच्चे ने यह सवाल किया कि कुरान करीम का एक दौर मुकम्मल करना क्यों ज़रूरी है एक से ज़्यादा भी किया जा सकते हैं लेकिन इस पर क्यों तो दिलाई जाती है कि एक ज़रूर जो है दौर मुकम्मल ज़रूर करें देखिए हमने तो हर चीज़ की रहनमाई लेनी है रसूल करीम सलील लाम की सुनत से खुलफ राशिदीन से हज़रत अकदस मजीम से तो इस वाले से ये और खलफ़ हज़रत हज़रतकदस मसी मसल्ल्लाम से तो सबसे पहली बात यह है कि रसूल करीम सलील सल्म की यह सुनत थी आपके इलम में है कि कुरान करीम के नज़ूल का जो वक्त है वो तकरीबन तेईस साल और कुछ माह है तेईस साल का अरसे पर मुहित है जो रसूल पर कुरान करीम नाजिल होता रहा तो जितना कुरान करीम और यह भी बात है कि बहरहाल कुरान करीम जो है रमज़ान मुबारक जो है वो कुरान करीम की सालगिरह का दिन भी सालगिरह का महीना भी है तो बच्चों को तो इस वर्ष से भी बड़ा अच्छा समझाया जा सकता है कि बच्चों को तो सालगिरह का और इसका बड़ा शौक़ भी होता है तो दर हकीकत रमज़ान का और कुरान करीम का एक आपस का गहरा ताल्लुक भी है पहली वही जो है रसुल करीम सल्ला को इकरब इसम रब खल उसके मतलब भी मुसांद रवायात में आता है कि वो रमज़ान में हुई थी जी। और रमज़ान में ही कुरान करीम की जो नजूल का आगाज हुआ और जबरादा हर रमज़ान में रसोल करीम सल्हुहल के पास तशरीफ लाते और जिस कदर कुरान करीम उस वक़्त तक नाजिल हो चुका था उसका एक दौर मुकम्मल किया करते थे ठीक है इसी तरह हर साल रमज़ान में ये तरीक चलता था और रसोल करीम सल् की हयात मुबारक में जो आखिरी रमज़ान आया उस रम़ान में जबराईल तशरीफ़ लाए और लत और रसूल करीम सल् वसम के साथ दो दौर मुकम्मल किए इसलिए हमारी जमात और ख़ास तौर पर जमात के जो बुजुर्गान हैं खफ़ा हज़रतम हमें बार बार रसूल करीम की इस सन्नत के मुताबिक तलकिन फरमाते रहते हैं कोशिश करते रहते हैं कि हम कुरान करीम के दो दौर मुकम्मल करें या कम अज़ कम एक दौर जो है वो जरूर मुकम्मल करना चाहिए कुरान करीम का तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुरान करीम दर हकीकत रमज़ान मुबारक सॉरी जो है दर हकीकत कुरान करीम की सालगिरह का महीना है तो इसलिए उसको हमें अच्छे तरीक़े से सेलिब्रेट करने के लिए एक तरीक़ ये भी है कि कुरान करीम को पढ़ा जाए उस पर गौर किया जाए और सिर्फ पढ़ा और गौर ना किया जाए बल्कि उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश की जाए और रमज़ान हमें वो अमल सिखाता भी है कि हमने किस तरह किस तरह अपने नफ्स को कंट्रोल करना है किस तरह अपनी ख्वाहिशात को दबाना है और किस तरह अपने नेकी में आगे बढ़ना है रमज़ान के मतलब तो आता है रसुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता था तो कसरत से सदका सदक भी किया करते थे और आम तौर पर भी कसर सदको खराद किया करते थे लेकिन रिवायत आती है कि रमज़ान के महीने में तो आपका सदका सदक इस तरह हो जाता है जिस तरह एक तेज़ आंधी हर चीज़ को उड़ा कर ले जाती है इस तरह दूर सदु खरात किया करते थे रमजान जो है कुराने की जो तालीम हैं उनको उनके ऊपर अमल करने का एक रिफ्रेशर कोर्स है और एक कैंप है बाकायदा जो लगाया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया है रफी साहब ने सवाल पूछा है उन्होंने अपना शहर नहीं बताया और ये फोन लिखवाया सवाल लिखवाया गया था अनिये लाइन पे नहीं है तो उन्होंने कहा है कि ये मुसलमान रमज़ान का आगाज भी और ईद भी मुख्तलिफ दिनों में क्यों करते हैं हमारा क्यों क्रिसमस की तरह एक ही दिन पूरी दुनिया में नहीं होता जी जहाँ तक क्रिसमस का ताल्लुक है तो उसका ताल्लुक है ईसाइत के साथ ईसाईत का जो मज़हबी कैलेंडर है वो शमसी कैलेंडर है सूरज के कैलेंडर के साथ चल रहे हैं वो जी जबकि इस्लाम जो है वो कमरी कैलेंडर के मुताबिक चलता है चाँद के कैलेंडर के मुताबिक चलता है दोनों कैलेंडर में फ़र्क है साल में मसला जो शमसी केलेंडर है वो तीन सौ पैंसठ दिन का है और जो कमरी केलेंडर है वो तीन सौ पचपन दिन का है दस दिन का डिफरेंस आ जाता है हर साल हमारा इसी तरह चांद के जो निकलने के उफक हैं वो भी हर जगह दुनिया में टाइम जोनस के हिसाब से या उस तरीके से फ़र्क है तो रमज़ान को और ईद को जो ख़ास तौर पर रमज़ान की ईदल्फितर है उसका ताल्लुक जो है वो चाँद के देखने के साथ है तो जिस वक्त चाँद की रोयत हो जाती है उस वक़्त फिर हम रमज़ान रखते हैं रसूल करीम वसल्लम के हुक्म के मुताबिक और रसूल करीम वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और जब चांद नज़र आ जाता है शवाल का तो फिर हम उस वक़्त ईद कर लेते हैं हाँ ये बात है कि इख्तिलाफ़ क्यों हो जाता है जैसे पाकिस्तान में तो ये काफ़ी अरसे से एक बहुत बड़ा मसला है रोहित हलाल कमेटी बैठती है वो देखती है उसका इखिलाफ़ होता है उसका इखिलाफ महकमा मौसमियात वालों के साथ भी हो रहा होता है और दूसरे जो इदारे हैं उनके साथ भी अख्तलाफा हो रहा होता है हो रहे होते हैं तो असल हकीकत यह है कि रोयत में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आँख से ही देखा जाए अगर बादल हैं तीन तीन चार चार दिन आखिरी दिनों में बादल ही नहीं छट रहे या बहुत जैसे आपने पहले भी बास इलाके दुनिया में ऐसे मौजूद है जहाँ हर वक्त बादल है सोरे नजर ही नहीं आ रहा तो वहां पे फिर हमें कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ता है तो जो तरीका कार है मून कैलेंडर आजकल बने हुए हैं अब तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी हुई है कि आपको पता है कि चांद इस वक्त इस जगह पर होगा और वो जगह वो उफक पे अगर वो अगर उस वक्त बादल ना होते और वो जराए ना होते चीज़ क्लियर होता मतला तो आपको नजर आ जाती और उस वक्त चांद ने उस जगह पर होना है तो वो जब कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट है तो वो भी रोयत में ही आती है आ का मतलब कुरानी करीम में अगर देखा जाए अरबी जुबान में वो सिर्फ देखने के ज़ाहरी आंख से देखना मुराद नहीं है वहां पर सिर्फ करीम की और सूरतलफील है वो वहाँ पर अल तार फला रबो का भी असाबिल फील क्या सब ने देखा फील के साथ अल्लाह तला ने क्या किया था देखने सुराज यही है कि एक यकीन हो आपको तो जब यकीन अगर आपको साइंसी आलात के ज़रिए से हो सकता है तो उस पर भी हमारा इंशाल्लाह यकीन है उस वाले से बिल्कुल और कनाडा के हवाले के से भी देखें तो कई के दिन हमें सूरज का भी पता नहीं होता <laughs> ख़ासतौर पर जब ठंड पड़ रही हो तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है और इस तरह जहाँ पे सूरज का है चांद के हवाले से है वहाँ पे अल्लाह ताला ने दोनों जो निज़ाम है ये जमनी बात है इसका ताल्लुक उस जवाब से नहीं है चांद के हवाले से भी इबादात को बांधा है और सूरज के हवाले से भी और कैलेंडर भी दोनों राइज हैं और मुसलमान जो हैं वो दोनों कैलेंडर उस तरह से फॉलो करते हैं इस्लामी इबादत का जहाँ पे ताल्लुक है वहाँ पे सूरज को भी रखा है और चांद को भी मसलन हमारी रोजमर्रा की जो नमाज़ें हैं उनका ताल्लुक सूरज से बांध दिया अगर रमज़ान का ताल्लुक अगर रोइत है इसकी चांद की लेकिन उसकी सहर और रफ्तार जो है वो सूरज से बांध दी तो ये दोनों बातें अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमाता है कि ये दोनों अल्लाह ताला ने हिसाब किताब के लिए हमारे फ़ायदे के लिए रखी हैं जमल्ला आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो एम दिया जिसमें आज हमारे साथ मोहतरम अब्दुल राबिद साहब और मोहतरम मुहमद भूसा साहेब तो शी फर्मा है आज के प्रोग्राम में रमज़ान मुबारक के हवाले से सवाल आपके हम ले रहे हैं अगर आपके जिन में कोई सवाल हो रमज़ान के हवाले से या उस मौजू के हवाले से जो हम इस प्रोग्राम में शुरू पहले एक घंटे में किया था तो आपको दावत के इसमें अपने सवाल के साथ शामिल हों और इसमें एक चीज चीजन एक जाती तजर्बा मैं आपसे शेयर करता हूँ काफी अर्सा पुरानी बात है मैं मुलाजिम था एक इंश्योरेंस कंपनी में तो मेरे साथ गैर अहमदी मुसलमान और लोग काम करते थे ठीक है तो हमने छुट्टियों के लिए दरख्वास्त देनी थी तो मैंने जल्दी से अपना जमात अहमदिया का हमारा जो कैलेंडर छपता है साल का उसमें पहले से तारीखें होती हैं है तो मैंने खट से जैसे वो कैलेंडर आया दो तीन महीने पहले ही यानी साल के शुरू में ही मैंने वो डाल दी और वो जो बेचारे हमारे गैर हिंदी मुसलमान भाई थे उनके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं थी और वो अब हैरान क्या वो क्या करें ये दिन लें ये दिन लें ये दिन लें तो उस वक़्त उनमें से एक काफी सेखपा हुए कि ये हमारे मौलवी जो हैं बहर उन्होंने अपने मौलवियों का जिक्र अच्छे तरीक <laughs> पे नहीं किया लेकिन ये एक, एक अमली जो फायदा हमें नजर आता है इन साइंसी आलात के इस्तेमाल से देखिए इसमें यह बात भी हमें सामने रखनी चाहिए कि मजहब में और साइंस में कोई फ़र्क नहीं है ठीक नहीं, है हमारा तो ये अकीदा है और हमने ये देखा है कि मज़हब जो है वो खुदा तला का कौल है और साइंस जो है वो खुदा तला का फेल, फेल है बिल्कुल सही. तो खुदा तला के कौल और फेल में फ़र्क तो नहीं हो सकता ठीक है तो जैसे जैसे साइंसी तरक्यात होती रहेंगी वो भी हमारी खिदमत के लिए हैं इस्लाम की और मजहब की खिदमत के लिए ही है वो और उससे फ़ायदा उठाना जितना जितना उसमें डिले करते जाएंगे आखिरकार खुद ब खुद समझ आती जाती है कि भाई ये चीज़ है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्यों नहीं करते या शुरू में मौलवी ने तो यहां तक कहा कि माइक्रोफोन भी इस्तेमाल नहीं करना ठीक हाँ, है वहां पर शैतान बोलता है उसमें ठीक है बल्कि इससे भी पहले चले जाए तो उसमें बड़ा नुकसान पहुंचा इस चीज़ से कि बाइबल की इशात बड़ी तेज़ी के साथ हुई लेकिन मुसलमानों ने यह फतवा दिया कि नहीं 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 कुरान करीम जो है वो तो प्रेस के अंदर जाएगा तो वो तो कुरान करीम की बेहरबती हो जाएगी ठीक है लेकिन फिर बिल आखिर सबको उस तरफ आना ही पड़ा ना तो जो काम आपने सौ साल बाद किया और वो दुरुस्त है तो अगर वो आपको समझ आ रही है कि वो दुरुस्त है तो उसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं है वो तो पहले कर लेने चाहिए उसको four, one, यहां का आ, हमारा जो नंबर जिस पे आप सवाल पूछ सकते हैं मैं दोबारा सामीन की सहूलत क्लियर कर देता हूँ बाज हमारे टेलीफोन को पसंद करते हैं बाज ईमेल को पसंद करते हैं अगर आप ईमेल पे भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल का पता है क्यूए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ़ इस्लाम.सीए क्यूए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ़ इस्लाम.सीए और सवाल पूछने के लिए हमारा जो नंबर है 4167037561 4167037561 इस पे आप हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं गुफ्तक का सिलसिला जारी जी अब्दुल नूर नुराबिद साहब जी मैं इस हवाले से हजरत अकदस मसीह मऊद सलाम का एक आध हवाला या उनकी तहरीर में से रमजान के हवाले से सामीन के सामने रखता हूँ हजूर फरमाते हैं कि रोज़ा की हकीकत से भी लोग नावाफ हैं जी सॉरी माजरत के साथ अनीस साहब ने बताया कि हमारे साथी लाइन पे हैं उनकी कॉल लेते हैं अमीन साहब असल वरम्ला आप एयर पे हैं बात कीजिए आप लोगों को बिल्कुल ठीक रमजान मुबारक आपको मुबारक हो आप लोगों को भी अच्छा मुझे ये पूछना था कि ये जो भाई बता रहे हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं तो मसुवाक की तो हबीब शरीफ में इजाजत है टूटपेस्ट तो की बहुत इजाजत लिखी गई है और वो बाकायदा केमिकल के साथ बना हुआ आपके हलग पे उतार के आपको फील होता है जी। तो अलग से उतरी भी चीज अब मसुआक की अगर उतरती भी है इजाजत दी गई है आदमी में में टूथपेस्ट की कहाँ इजाजत है ये बताएंगे और वो ये बताएंगे कि अगर जितने भी आलात साइंस ने याद किए वो दीन नहीं है दीन का हिस्सा नहीं है वो तो टेक्नोलॉजी है आप कितनी बड़ी दूरबीन ले लें चांद देखेगी तो आँख आँख ही देखेगा ना पहले आँख से ही देख के पता चलेगा की वो सामने चांद है चाहे आप माइक्रोसकोफ ले लें ले या जो भी ले लें तो साइंस यानी आप कहें सौ साल पुरानी ईजाद है और कुरान का हुक्म और हदीस शरीफ का के रूहियत आँखों से देखना अच्छा। तो इन दोनों बातों में आप लोग इतना मुख्तलिफ बता के लोगों को बता रहे हैं इसकी क्या वजह है मेरे ये दो सवाल बताएंगे आप। जी ठीक है बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका

और ना बच्चों को तरगीब दिलाए ना किसी और को बात जहाँ पे हो रही है वो दांतों की सफाई की है और दांतों की सफाई से एक हद तक जो जबान के जो टेस्ट बर्ड्स हैं उस पे मसवाक पहुँचे या आपका टूथपेस्ट पहुँचे उसका बहरहाल दोनों का एक किस्म का जायका होता है और वहाँ पे वो महसूस होता है टूथपेस्ट करने का मकसद या मसवाक करने का मकसद हलक से नीचे उतारना हरगिज़ नहीं होता और अगर कोई हमारा भाई ऐसा करता है तो उसको चाहिए कि ऐसा बिल्कुल ना करे क्योंकि ये सेहत के लिहाज से भी बात ठीक नहीं है तो जितना मसवाक के लिए टेस्ट बर्ड्स हमारे ज़बान के जो हैं वो मुतहरक होते हैं इसी तरह अगर आप टूथपेस्ट भी उतनी मकदार में लेकर अगर उसको दान साफ कर लेते हैं तो उसमें कोई मज़ायक नहीं है और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि टूथपेस्ट का कहाँ हदीस में लिखा हुआ है तो बस चीज़ें ज़माने के लिहाज से जो हैं वो ईजाद होती हैं और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं आप जो गाड़ी चलाते हैं ये भी उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी ऊँट चला करते थे तो अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल बंद कर दें और ऊंट खरीद लें और ये कहें कि क्योंकि हदीस में जिक्र नहीं आता गाड़ी का इस तरह से तो ये कोई भी कोई इल्मी बात इसको करार नहीं देगा तो जहाँ तक साइंस इस्लाम की खिदमत करती है और हमेशा से करती है और उसके ताबे है तो वहां तक उससे फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए इसका जो दूसरा हिस्सा था सवाल जी, का जी। दूसरा हिस्सा इनका रोयत के मतलब था चांद की वो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रोयत से मुराद जरूरी नहीं कि आँख से ही देखा जाए जाएगी आँख से ही देखा जाए रोयियत से मुराद यह है कि इल्म हो जाना उसकी मैंने कुर से मिसाल भी दी थी कि अलंत रहीफ़ अला रबू का भी साबिल फील कि क्या तुमने सबिल फील को देखा नहीं तो क्या जो भी मुखातिब है उस वक्त तौल तो, तो उसको मुखातिब करके कह रहा है तो क्या हमने देखा या फील के साथ क्या हुआ था पाँच सौ साल पहले आसौ की पेदाइश से भी सॉरी आरोप की पैदाइश के साल में आज से चौदह सौ साल पहले क्या हुआ था तो हकीकत यही है कि जो रोइ है उससे मुराद यकीन है और वो सिर्फ़ दूरबीन से नहीं वो आपका ख्याल है कि सिर्फ दूरबीन से उसके अलावा बेशुमार कैलकुलेशनस हैं जो साइंस ने देखें कि इस वक्त जो चांद की गर्दिश चल रही है वो हर किसी को पता है कि तीन दिन में चल रही है ना तीन दिन में वो अपने एक गर्दिश मुकम्मल कर लेता है और उस गर्दिश के मुताबिक उसको इस वक्त इस जगह पर होना चाहिए और उस जगह पर होता है वो ऐसी कैलकुलेशंस हैं हाँ उन कैलकुलेशंस में गलती का इमकान मौजूद है ये हम इससे इंकार नहीं कर रहे और गलती का इमकान मौजूद है और उसमें अगर एक तरफ साइंस हमें यह कह रही है कि इस तारीख को चांद निकलना है और लेकिन उस दिन हमें चांद या उससे एक दिन पहले चांद हमें नजर आ जाता है तो हम बाहर अपनी रोयत पर यकीन करेंगे इसमें कोई शक नहीं है दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने इस वक्त साइंसी इजादात हैं उसमें हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इस चीज़ की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें गलती का इम्कान अब काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है बल्कि बहुत ही शाज है जो उसमें गलती हो रही हो लेकिन गलती का गुंजाइश मौजूद है इसमें कोई शक नहीं हाँ जहां पर गलती होगी वहां पर रोयत मुकदम हो जाएगी फिर अगर रोयत हो रही है तो ठीक है इंसानिया गलती की बात हुई मैंने आपको बारह सौ किलोमीटर का जिक्र किया तीन हजार तीन सौ सतासठ किलोमीटर है तीन हजार तीन सौ सतासठ किलोमीटर एडमिंटन से एडमिटन टोरंटो से इतनी दूर है बिल्कुल ऐसी तो यानी इतना वसी है ये मुल्क जिसमें हम आके ने हमें लेके आया है तो उस उस कोने कोने के लिए उसने सहूलतें भी दी बिल्कुल आप वहां से कर सवाल जो आया है उन हमारे सामीन के लिए है जो ट्रांसपोर्ट के पेशे में है जी आ, ट्रक ड्राइवर जो लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं रेल ड्राइवर हवाई जहाज वाले या और बैरी जहाज वाले इनके लिए क्या हुक्म है रमजान के हवाले से इन्होंने तो बज दफा कई कई घंटे या कई कई दिन या अगर कई हफ्ते बिल्कुल बिल्कुल चलना होता है है इनके लिए हुक्म यह है कि ये रोजा रखेंगे रखेंगे जी बिल्कुल रखेंगे अच्छा जी जी अच्छा जो आपकी रूटीन है उसमें ये लोग रोजा रखेंगे हाँ वहां पर जो मिसाल के तौर तो पर अगर हवाई जहाज पे कोई सफर कर रहा है तो वो आपका टाइम जोन से भी बाहर निकल जाता है ठीक है उसके लिए मुश्किल होती है तो उसके लिए वही तरीका होगा जो आपका आपने आर्किटेक्ट के लिए या अंटार्कटिका वालों के लिए किया ना ये नॉर्थ में वो फिर अपने अंदाजे के मुताबिक उसके मुताबिक वो करेंगे और उस से रफ्तार से हो जाएगी वैसे आमतौर पर जो हवाई जहाज़ का सफ़र करने वाले हैं उनकी जो रूटीन होती है जितना मुझे इल्म है वो गालबन उनको टाइम मिल भी जाता है तो उस अरसे में अगर नहीं भी रख सकते इतने तकल्लुफ़ तकलु, की भी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा अगर नहीं रख सकते तो वो फिर बाद में बाद में आने वाले दिनों में जिन दिनों में फुर्सत है जब रूटीन में आ रहे हैं वो तो उस वक्त रख लिया करें उसमें मुझे एक दफा इतफाक हुआ जाने का दुबई जी दुबईन चौदह घंटे की फ्लाइट है ऐसे ही है तो मुझे बाद में पता चला कि उसमें दो दो क्रू क्रू हैं जहाज अच्छा पूरे क्रू, दो होते हैं तो उनके आठ घंटे की जिसकी एक आठ घंटे काम करता है फिर वो ऑफ हो जाता है जी। तो रहता जहाज में ही है लेकिन ड्यूटी दूसरी शिफ्ट जो है वो टेक ओवर कर लेती है तो सूरत में अगर वो आठ घंटे का रोजा रखते हैं तो या उनके काम का दौरानिया जो है अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है और उसके उन मसाइल के हल दिए मुमकिन जो वक्त के साथ आने थे उनमें से एक हल ये है मुझे बताया गया है कि आज ये प्रोग्राम सात बज के अड़तालीस मिनट जो वॉन में जहाँ पे हमारा स्टूडियो है उस वक़्त हम अजान के साथ इसको ख़त्म करेंगे बरह रास्त हिस्से को ठीक है अजान चलेगी बाद में तलावत चलेगी जो भी चलेगा हमारा जो दौरानी है वो मुकम्मल होगा ठीक ताकि जो हमारे स्टूडियोज़ में हमारे जो कारकुनान हैं वो भी और हम भी हम सब रोज़ा इकट्ठे खोलें तो ये गुफ्तु का सिलसिला इन शाह सात बज के अड़तालीस मिनट जो ट्र जो वॉन के इलाके का अवतार का टाइम है उसके हिसाब से अख्ताम पजीर होगा लेकिन आपके खिदमत में अजान पेश की जाएगी और उसके बाद जो तलावत या नजम जो है वो भी पेश की जाएगी तो, गुफ्तु का सिलसिला जारी रमज़ानमबारक के हवाले से और क्या सवाल हैं जो आप से मुख्तलिफ मुख्त में लोग पूछते रहते हैं मुख्तलिफ अवत में मसलन हमारे से बच्चे भी पूछते हैं बड़े भी पूछते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर चले जाएँ तो वो अपने प्रोग्राम की वसात से हम आपस में एक दूसरे से पूछ के तो सामीन जो हैं उनकी इलम में इजाफा करने की कोशिश करेंगे जी ये जो बाज़ात कहा जाता है कि मूसा साहब के औरतों के हवाले से कि अगर नेल पालिश लगाई हो तो वजू नहीं होता नहीं। ये आम तौर पे तो नमाज मतलब है लेकिन रमजान में चूंकि लोगों की तबीयत ज्यादा इबादत की तरफ होती है तो इस तरह के सवाल ज्यादा आम तौर पर उठते हैं तो इसका क्या ताल्लुक है मेरा मतलब वो कहते हैं कि जो रोज़ा होता है जो, जो आ, वजू होता है वो आपके जो नाखुन है उनके नीचे जो छुपे हुए गुना भी है उनको भी धोता है तो कहते हैं कि अगर ऊपर नेल पॉलिश लगी हो तो वहां तक वो नहीं पहुंच सकता जहां तक नेल पॉलिश का ताल्लुक है या बाज़ा रंग भी लग जाता है सिर्फ नेल पॉलिश नहीं जो आमतौर पर बाद रंग साज उनके आप कभी नाखून देखे तो उनके ऊपर तो हर वक्त रंग लगा हुआ है कार हैं, उनके कार मैकेनिक हैं उनके भी होता है वो बाद रंग तरह भी हो जाता है तो इसलिए इसमें कोई हरज वाली बात है साफ़ करने की कोशिश तो वो भी कार मैकेनिक्स वगैरह भी करते हैं कि उसके बावजूद कुछ ना कुछ रह जाता है तो जहाँ तक इसको अगर देखा जाए तो ये आपके वैसे भी तकरीबन डेड सेल्स हैं जो नाखून है ऊपर तो उसकी सफाई जो है वो नेल पॉलिश में वैसे भी केमिकल ऐसे हैं जो आमतौर तो पर सफाई वाले ही आलमन वाल रहते हैं उस तरीके से तो इसलिए उसमें कोई हरज नहीं है अगर वो नेल पॉलिश ऊपर लगी हुई हुई है तो जो पॉलिश है वही उसको उसके ऊपर से भी सफाई हो जाए तो आपकी सफाई हो जाती है उस चीज़ में ऐसी कोई मनाही वाली बात नहीं है इवन जराबों के मतलक और जूतों के मुतालिक भी जो है वो इजाज़त दी गई है एक हद तक जी ठीक है कि जब आप एक दिन एक दिन आपका मुकम्मल जो है वो आपने जराबें पहनी हुई हैं मोजे पहने हुए तो वजू करते हुए उसके ऊपर से मसा कर सकते हैं तो वहाँ पर भी इतनी सख्ती नहीं की गई इस्लाम में बिल्कुल और इसमें एक और सवाल ये होता है कि क्या आंखों में सुरमा लगाना या कोई इस तरह की दवाई वग़ैरह खाना है दवाई के मतलब तो हज़रत हज़रतदस मसीह मौदा सलाम ने ही हमारी इस वाले से रानुमाई फरमाई की जिसको दवाई खानी है तो वो तो मरीज़ है ना मरीज़ हो गया मरीज तो मरीज़ मरीज के लिए तो रोज़ा वैसे ही जायज़ नहीं तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें जहाँ तक सुरमे का ताल्लुक़ है तो उसका भी ताल्लुक किसी हद तक है कि उससे भी तकवीत की तरफ जाता है उसको भी पसंद नहीं फरमाया गया भी तो इतनी ज़रूरत ही क्या है कि रोज़े के वक्त लगाया जाए रात के वक्त अगर सुरमा किसी ने डालना आजकल तो वैसे रिवाज भी काफ़ी कम ही हो गया सुरमे का है कम का बहुत कम <laughs> हो गया लेकिन अगर किसी ने कोई डाल भी रहा है सुरमा डालना ही है तो वो रात के वक़्त डाल ले जिस वक्त रोज़ा नहीं है तो उसका असर तो वैसे ही बाद में भी रहता ही है कुछ ना कुछ तो इसलिए इतनी ज़्यादा बारीकी में सवाल भी जारी करना असल तो सारी चीज़ों का ताल्लुक नीयत के साथ है आपकी ठीक है नीयत ठीक है उसके मुताबिक जो हुक्म दिया गया है उसके ऊपर अमल किया जाए तो वह सबसे बेहतर यही होता है एक सवाल है ख़वान के हवाले से भी आपने ज़िक्र किया नेल पॉलिश का लेकिन रोज़े के हवाले से ख़ीन के खसूसी याम में या इसी तरह हमल और फिर बाद में बच्चा उसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें जी उसमें वाजे तौर तो पर ये तो कुरान करीम ने ही इस चीज़ का इशारा कर दिया हुआ है कि मुर्ज़ा और हामला जो है वो रोज़ा नहीं रखेंगी इसी तरह मखसूस एयाम में भी इबादत जो है नमाज भी और रोज़ा भी जो है वो रखा नहीं जाता उसकी इजाज़त नहीं है हाँ मखसूस है याम के जो रोज़े हैं वो फिर बाद में पूरे करने होते हैं और बहर जो रज़ात है उसका तो अरसा जो कि दो साल है ठीक है तो वो उसके जो है दूध पिलाना, पिलाना जो है दूध पिलाना, पिलाना जो है, है। तो उसके लिए फिर यही है कि फ़दिया जो है वह उसके मुकाबले में दे दिया जाए रमज़ान का जो फदिया है रोज़े का और वह फदिया जो है वो इल है आपके कि एक रोज़े का जो है वो एक मस्किन को खाना खिलाना एक वक्त खाना खिलाना जो आप ख़ुद खा रहे हैं जो आपका एक खाने की कॉस्ट आती है वो कॉस्ट जो है वो फे के तौर पर किसी गरीब को खाना खिला दिया जाए उसका उसके मुताबिक है। इसमें बाज लोग जो करते हैं मसलन मिसाल के तौर पे बाज लोग शुगर के मरीज हैं या उनको पता है कि वो रख ही नहीं सकते या मरीज इसको कह सकते हैं तो वो बाज अपने पूरे रमज़ान का जो फदिया है वो किसी एक घर में राशन वगैरह भी दिलवा तो वो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है जरूरी नहीं कि मतलब बाकायदा सिर्फ खाना ही खिलाया जरूरत पूरी करनी है उतना जो आपके ऊपर खर्च हो रहा है उसूल बयान कर दिया पुराने ने कि तो ठीक है एक मिसकिन का खाना खिलाना जो है वो फिदिया है इसका वो अदा किया जाए बिल्कुल ठीक है <coughs> जी हमारे पास अब आखिरी पांच मिनट हैं इसमें इखतामी कलमात रमज़ान के हवाले से या मौजू के हवाले से मैं हज़रत अकदस मसीह माउद सलाम का एक हवाला रमज़ान के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ जी हजूर ये फरमाते हैं इससे पहले मैं एक हदीस सामीन की ख़िदमत में पेश करूँगा हज़रत सलमान रज़ी अल्ला से रवायत है कि रसोक सल्हलम ने हमसे शाबान के आखिरी रोज़ ख़ता फरमाया और फरमाया ऐ लोगो तुम पर एक अजीम और मुबारक महीना साया फ़िगन है ऐसा बाबरकत महीना जिसमें एक रात ऐसी है जो हजार महीने से बेहतर है ये ऐसा महीना है जिसके रोज़े अल्लाह त फ़र्ज़ किए हैं और जिसकी रातों का कयाम अल्लाह ताला ने नफल करार दिया है जो शख्स किसी भी अच्छी खसलत को इसमें अपनाता है वो उस शख्स की तरह हो जाता है जो उसके अलावा जुमला फ़रज़ को अदा कर चुका हो और जिस शख्स ने एक फरीज़ा इस मुक़दस महीने में अदा किया वो इस शख्स की तरह होगा जिसने सत्तर फ़रज़ रमज़ान के अलावा अदा किए ग एक नेकी का जो अजर है रमज़ान में उसको बढ़ा के सत्तर नेकियों तक अल्लाह ताला बढ़ा देता है और फरमाते हैं और रमज़ान का महीना सबर करने का महीना है और सबर का अजर जन्नत है और ये मवासात और उख़ुवत का महीना है और ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन के रिज में बरकत दी जाती है हज़रत मसीह माऊदा सलाम मलफूज़ात की जल्द नंबर पाँच में ये फरमाते हैं हजरों ने फरमाया रोज़ा की हकीकत से भी लोग नावाकिफ हैं असल ये है कि जिस मुल्क में इंसान जाता नहीं और जिस आलम से वाकिफ़ नहीं उसके हालात क्या बयान करे रोज़ा इतना ही नहीं कि इसमें इंसान भूखा प्यासा रहता है बल्कि उसकी एक हकीकत और उसका असर है जो तजर्बा से मालूम होता है इंसानी फितरत में है कि जिस कदर कम खाता है इसी कदर तजकिया नफ्स होता है और कशफी क़वतें बढ़ती हैं खुदा ती का मंशा इससे यह है कि एक गज़ा को कम करो और दूसरी को बढ़ाओ हमेशा रोज़ादार को ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि इससे इतना ही मतलब नहीं है कि भूखा रहे बल्कि इसे चाहिए कि खुदा ताला के जिक्र में मसरूफ़ रहे ताकि तब्दुल और इनकता हासिल हो बस रोज़े से यही मतलब है कि इंसान एक रोटी को छोड़कर जो सिर्फ जिसम की परवरिश करती है दूसरी रोटी को हासिल करे जो रूह की तसल्ली और सेरी का बायस है और जो लोग महज खुदा के लिए रोज़े रखते हैं वो निर रस्म के तौर पर नहीं रखते इन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की हमद और तस्बी और तहलील में लगे रहें जिससे दूसरी गज़ा इन्हें मिल जावे अल्लाह ताला करे कि हमें वो रोज़े हासिल हों जो जिसका जो तकाज़ा है वो खुदा ताला हमसे करता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखे या हज़रत अकदस मसीह माउदात सलाम के इन अल्फाज में जिनका एसेंस मिलता है अल्लाह ताला करे कि हमारे रोज़े मकबूल भी हों और हम एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर और जिस तरह हजूर भी फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि हम सारे मुसलमान ममालिक भी इकट्ठे हों नबी अक्रमली वल्लम की हदीस जो मैंने फ़ड़ी उसमें बिल्कुल आखिर में हजूर ने यह फरमाया कि ये मवासात और अख़ूवत का महीना है अल्लाह तला करे कि हम इस पर अमल करने वाले भी हों ज़ार्तः इसके साथ हमारे आज का जो ब्राह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा है उसका वक्त तो अब ख़त्म हुआ चाहता है मोहम्मद मूसा साहब और अब्दुल रबिद साहब आप दोनों साहिबान का शुक्रिया रमजान के बावजूद आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए अनीस साहब का शुक्रिया कंट्रोल्स पे आपकी कॉल्स और इसी तरह जो तकनीकी काम है वो सारा करना और सबसे ज़्यादा सामीन आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए अब आ, आ, सिटी ऑफ वॉन यानी शहर वॉन में नमाज मग़रब का वक्त हुआ चाहता है आपकी खिदमत में हम अजान पेश करेंगे अजान के बाद कुछ तलावत या नज़म जो है वो आपको हमें हमारा जो प्रोग्राम का वक्त होता है उसके आखिर तक ले जाएगी इसके साथ मुक्रम नजीर और साथियों को बरह रास्त प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए असल वरम्ह वरकू अकबर अखबार अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد अहमदिया जिंदाबाद 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 अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदेत जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद आज चिरागा हर घर में है आज खुशी हर दिल में है नई सदी में हम दाखिल हैं शुक्र खुदा का हर दिल में है अहमदिया जिंदाबाद अहमदी जिंदाबाद करते, करते थे सदियों से जिसका वो मेहदी है आ चुका आएगा ना और कोई अब आने वाला आ चुका अहमदिया जिंदाबाद, अहमदिया जिंदाबाद, पर हम इस्लाम का हरदम दुनिया में लहराएंगे कांटे चाहे लाख बिछा दो कदम